मॉड्यूल वन में टैक्स का जो सब्जेक्ट है आपका ये दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज एमसीक्यू वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सो चार सब्जेक्ट्स हैं, चार में से तीन जो है आपके थियरी वाले सब्जेक्ट है और एक जो है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, और यही टैक्स वाला जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल वाला है। प्रैक्टिकल का मतलब एग्जैक्टली कोई समझा सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट? कॉमर्स वालों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल से डर लगता है। जब भी मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों के मन में खौफ आ जाता है, यार प्रैक्टिकल या मैथमेटिक्स होगा। नहीं बाबा, मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज अकाउंट्स भी नहीं है, ठीक है, इसमें, ठीक है, ना मैथमेटिक्स है ना अकाउंट्स है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक चीज बच्चों को लगता है इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होंगे तो अपने पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेंजा इम्पैक्ट, ठीक है। अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन आप ही मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या आफ्टर वन मंथ या 10-15 डेज के बाद इनसे, सर मॉड्यूल वन में सबसे ज्यादा मजा जो आता है सब्जेक्ट पढ़ने में वो ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। तो जो फियर फैक्टर है मन में, जो वहम है कि प्रैक्टिकल से हमेशा डरना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट यू एंजॉय स्टडिंग प्रैक्टिकल्स, ओके। तो ये सब्जेक्ट जो है अपना पेपर फोर है, ठीक है। आप पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे चार पेपर है, उसमें से ये पेपर नंबर 4 है, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस, ये सब्जेक्ट का नाम है। दिस सब्जेक्ट इज फॉर 100 मार्क्स एंड दिस इज द सब्जेक्ट विच इज जो इंस्टीट्यूट इसका पेपर फ्रेम करता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम करती है, एमसीक्यू पैटर्न पे ये पेपर आता है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने रादर सीएसईटी दिया है, सीएसईटी में आपने एमसीक्यूज देखे हैं, ठीक है ना, ओके। सो जो आप पढ़ के गए थे उसके विपरीत एमसीक्यूज आए थे, कुछ अलग ही था, और हमने क्या लिखा, कौन से ऑप्शन टिक किए ये हमें पता नहीं, लेकिन हम पास हो गए, ओके। सो भले ही अब अपने दिल को ऐसी तसल्ली देने के लिए बोलते नहीं मैं पढ़ के गया था, लेकिन वहां पे कितने एमसीक्यूज हमने पढ़ के गए थे उसमें से आए और कितने हमने ऐसे ही जय माता दी करके सही किए हैं ये हमें पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन पास हो गए, सीएसईटी भूल जाओ। सीएसईटी का जैसे सर ने भी बताया, सीएसईटी में जो किया वो एग्जीक्यूटिव में कुछ काम आने वाला नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज टोटली न्यू, टोटली डिफरेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। चलो, सो ये जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसमें आपको 100 MCQs आते हैं, 100 नंबर के लिए 100 MCQs। इसका मतलब एक एमसीक्यू कितने मार्क्स के लिए है? 1 मार्क के लिए, ठीक है। 1 मार्क के लिए एक एमसीक्यू, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वो सीएसईटी में कुछ एमसीक्यूज 1 मार्क के थे, कुछ 2 मार्क के थे, यहाँ पे वैसे कोई फंडा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट विल्यूज इन इक्वालिटी, हर एक एमसीक्यू को इक्वल भाव है, ठीक है। बस इसमें एक दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है, छोटा सा प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो सीएसईटी में नहीं था, इसलिए हमें आंसर आते भी नहीं, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी डी में से एक को टिक करना है बस, ठीक है। सो आंख बंद करके कर्सर जिसके सामने लेके जाना है, ठीक है, जो आता नहीं वो टिक कर दो, ए बी सी डी में से ऑप्शन, कुछ भी टिक किया तो टेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको आंसर पता है तो ही आपने वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो अगर आपको पता नहीं तो अटेम्प्ट करना नहीं है। क्यों सर ऐसे क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे इस वजह से, ठीक है, कम मार्क्स स्कोर करते हैं कि उन्होंने ज्यादा गलत आंसर्स लिखे, ठीक है। सो यहाँ पे गलत आंसर्स के मार्क्स कटते हैं। सर कितने मार्क्स कटते हैं? ओके, एक सही आंसर लिखा तो 1 मार्क मिलता है, एक गलत आंसर लिखा तो 0.25 मार्क्स कटते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स कटते हैं? 0.25। सर 0.25 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 4 MCQs गलत लिखे आपने, 4 MCQs गलत लिखे तो आपका 1 मार्क कट होगा। सर ये तो परवड़ता है? नहीं परवड़ता, ठीक है। सो 1 मार्क कट होना यानी जितने मिले हैं उसमें से 1 मार्क माइनस होना, ठीक है। सो सर फिर अगर कोई आंसर्स आते नहीं तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले लेक्चर में क्लैरिफाई करता हूँ, जो आंसर्स आपको आते नहीं है उसमें आपकी स्ट्रेटेजी काफी क्लियर होनी चाहिए। जो आंसर्स अगर आते नहीं है छोड़ दो, अटेम्प्ट नहीं करना है। सर अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। सो मार्क्स से यानी नॉट स्कोरिंग निगेटिव मार्क्स इज एज गुड एज स्कोरिंग पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है। अगर आप नेगेटिव मार्क्स स्कोर नहीं करते तो इसका मतलब आपके पॉजिटिव नंबर बढ़ा रहे, ठीक है। सो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग से बचने की सही स्ट्रेटेजी, जितना आता है उतना अटेम्प्ट कीजिएगा, जो नहीं आता वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। अब कई सारे बच्चे कुछ कुछ बोलते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आते हैं, बच्चे देखते रहते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आते हैं तो भी करो, नहीं आते तो भी करो, ऐसा करने का नहीं है। जितने आते होते, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये जो टैक्स का पेपर है ये मैन यानी टीचर चेक नहीं करता, मशीन चेक करती है, ठीक है। डायरेक्ट आपका यहाँ पे आपको पेपर कैसे लिखना है वो भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीएसईटी जैसे नहीं है कि आप घर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर के सामने पेपर आएगा और टिक टिक कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, वहाँ पे आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है। ओएमआर शीट का मतलब यहाँ पे 100 नंबर्स दिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 100 तक ऐसा एक पेपर पे नंबर प्रिंट होंगे और हर एक के सामने 4 गोले होंगे, ए बी सी डी,
ठीक है, उसमें सही आंसर जो है ना उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। सो जैसे एमबीए एंट्रेंस वाली एग्जामिनेशन लिखते हैं ना, एंट्रेंस टेस्ट लिखते हो आप जिसमें आप पेन से सर्कल करते हो, वैसे सर्कल करना है आपको, ठीक है। और आपका पेपर डायरेक्टली मशीन में डाल दिया जाता है, आपने जितने जितने सर्कल किए हैं उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद अगर आपका सर्कल सही जगह पे है तो मार्क मिलता है, नहीं तो कटता है। तो कंप्यूटर ही आपका पेपर चेक करता है, इंसान चेक करता नहीं है, ठीक है। सो याद रखियो, इसलिए निगेटिव मार्किंग वाला झमेला यहाँ पे जबरदस्त है। निगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चों के मार्क्स जाते हैं। अब कैसे जाते हैं उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे जरूर दूंगा, ठीक है। देखो, अगर आपने 100 MCQs अटेम्प्ट किया, आपने कितने MCQs अटेम्प्ट किए हैं, 100 MCQs अटेम्प्ट किए, ओके ओके। वीडियो लैग हो रही है, ठीक है, ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हो तो सुनिएगा, नहीं तो ऑनलाइन वालों चिंता मत करो, आपके लिए मैं बाद में बढ़िया सा लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सो आई विल अपलोड द लेक्चर, ठीक है, वंस इट इज डन, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाएगा, चिंता ना करें, ओके। चलो, सो 100 MCQs है, 100 MCQs आप अटेम्प्ट करते हो, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 100 के 100 अटेम्प्ट किए, से फॉर एग्जाम्पल 100 में से आपके 50 करेक्ट आए और 50 रॉन्ग हो गए आपके, तब मार्क्स कितने मिलेंगे? 50 MCQ कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 50 MCQs के 50 मार्क्स, सही है दोस्तों। और ये जो 50 गलत दिखे उसका क्या होगा? हाँ, 4 MCQs के पीछे, 4 गलत MCQ के पीछे कितने मार्क्स जाने वाले हैं? -1, ठीक है। सो 50 के पीछे कितने मार्क्स जाएंगे? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंपल वे में 50 डिवाइड बाय 4 करो, ठीक है। 50 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा आपका? 12.5। देवी जी, हेलो देवी जी, गुड मॉर्निंग, ओके। सो ध्यान दे रहे हो, ओके, चलो। सो 12.5 मार्क्स आपके कटेंगे, सो 12.5 मार्क्स चले जाएंगे। अब बताइए मुझे आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। सो 50 पॉजिटिव आए थे, -12.5 यानी नेट मार्क्स कितने हो गए? 37.5। बताओ पास हो गए या फेल हो गए? ओके, यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क पर सब्जेक्ट, ठीक है। और एग्रीगेट कितना, यानी चारों सब्जेक्ट का मिला के 50% यानी 200 मार्क्स चाहिए चारों सब्जेक्ट के मिला के, ठीक है। सो अब एक सब्जेक्ट में आपको ये निगेटिव मार्किंग की वजह से 37.5 मार्क्स आ गए ना, आप फेल हो गए, इस सब्जेक्ट में फेल हो गए तो बाकी सब्जेक्ट में भी गए, ठीक है। सो ये भी पता होगा शायद, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो बाकी सारे सब्जेक्ट वापस देने पड़ते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, ठीक है, आपका सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स आए होंगे तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, किसी सब्जेक्ट में 60 या 60+ मार्क्स आए तो वो सब्जेक्ट एग्जम्प्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम पता होना जरूरी है, ठीक है। आपके चार सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50 का मतलब मिनिमम 200 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए चारों सब्जेक्ट के मिला के, चारों सब्जेक्ट के मिला के मिनिमम 200 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। सब्जेक्ट उस समझो, उसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4, मार्क्स आपको ऐसे आते हैं 40, 60, 40, 60, तो क्या पास हो जाओगे? बताओ 40, 60, 40, 60 ऐसे मार्क्स आए तो क्या आप पास हो जाओगे पूरा मॉड्यूल? हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स आ गए और टोटल आपकी 200 के ऊपर है, पास हो गए, कोई टेंशन नहीं है। सर अगर ऐसा हो गया 40, 60, 40, 59, आप कितने आ गए सर? 199 पास हो गए या अगली अटेम्प्ट में वापस? अगली अटेम्प्ट में देनी पड़ेगी, अगली अटेम्प्ट में कितने पेपर्स देने पड़ेंगे? ठीक है, यस, पहला पेपर देना पड़ेगा, दूसरा नहीं देना पड़ेगा, क्यों? एग्जम्प्ट हो गया, 60 मार्क्स आ गए, ठीक है। सो जिस पेपर में आपको 60 या उसके ऊपर आता है वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है। अगला रिजल्ट जो आएगा ना उसमें आपको पेपर 1, 3 और 4, ये चार पेपर देने हैं, 1, 3 और 4। और जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको लिख के आता है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4, तो ये इसमें सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ई करके आते हैं, ई का मतलब एग्जम्प्ट। और बचे हुए तीन सब्जेक्ट में आपको 150 मार्क्स लाने, लेकिन याद रखियो बचे हुए तीन सब्जेक्ट में आपको 150 मार्क्स लाने अगले पेपर में, ठीक है। दिस इज द मार्किंग सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा भी इसमें एग्जम्पशंस पे बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन 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 ठीक है, स्ट्रैटेजी पहले दिन से याद रखियो, ठीक है, ये जो टैक्स वाला सब्जेक्ट है यही आपको एग्रीगेट में मदद करेगा। 200+ मार्क्स अगर आपको लाने हैं, 200+ मार्क पूरे ग्रुप का, हम सब्जेक्ट का विचार नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्रुप का विचार कर रहे हैं, तो चार सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको 60 या उसके ऊपर मार्क होने चाहिए, ठीक है, 60 या उसके ऊपर। क्योंकि देखो, चार सब्जेक्ट में से एक पेपर तो ऐसा होता है जो डिफिकल्ट आता है, अब उसमें से एग्जैक्टली कौन सा पेपर डिफिकल्ट आएगा वी आर टोटली अनअवेयर, ठीक है, अपने को यह पता नहीं है कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, ठीक है। तो अपन चारों सब्जेक्ट का बैलेंस प्रिपरेशन करके जाएंगे। समझो किसी सब्जेक्ट में अपने को 45 मार्क्स आए,
किसी सब्जेक्ट में 50 आए, किसी सब्जेक्ट में 49 आए, तो एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको 65-70 मार्क्स आते हैं, तो बचे हुए मार्क्स को सेट ऑफ करवा लेते हैं बराबर। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं पकड़ के चलो कि हर एक सब्जेक्ट में 50-50-50 लाऊंगा और पास हो जाऊंगा, ठीक है, इट्स जस्ट अ मिथ। ऐसा कभी नहीं होता कि हर एक सब्जेक्ट में 50-50। विराट कोहली हर एक मैच में ऐसा सोच के आता है मैं बराबर 50 हाफ सेंचुरी लगा के आऊंगा, ऐसे नहीं, कभी कभार डक पे भी आउट होता है, होता है या नहीं भाई? गेंद कैसी आएगी उस दिन? विराट का अगर खराब रहेगा, अनुष्का अगर स्टेडियम में नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि विराट की विकेट जल्दी चली जाए, ठीक है। अपना भी वैसे हो सकता है कि एक हाथ पेपर में अपने को 50 से कम नंबर आए, तो एक हाथ पेपर ऐसा भी होना चाहिए जिसमें अपने को 60 से ऊपर। तो सर ये वाला पेपर क्यों बोल रहे हो? आपका पेपर इसलिए, इसकी आप तारीफ कर रहे हो कि इसमें आपको 60 के ऊपर आ सकते हैं, ये आपको एग्रीगेट में मदद दिलाएगा, ठीक है। ऐसा दूसरे सर के पेपर में नहीं आ सकते, आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? नहीं नहीं, सर के पेपर में आ सकते हैं, एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू वाला पेपर होने की वजह से, एमसीक्यू वाला पेपर होने की वजह से इसमें चांसेस ज्यादा है। क्यों चांसेस ज्यादा है? यहाँ पे आपने अगर सही आंसर दिया तो आपको पूरा एक मार्क मिलता है, ठीक है, सही आंसर दिया तो पूरा, ठीक है। थियरी पेपर में क्या होता है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा 100%, तो भी थियरी पेपर में आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स देने का सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो एग्जामिनर इवेल्युएट करता है, और एग्जामिनर को उसको अगर सही लगा तो आउट ऑफ आउट मार्क्स देता है, नहीं तो कई सारे एग्जामिनर सारे पॉइंट सही लिखने के बावजूद 5 में से 3 या 4 मार्क दे देते हैं, ठीक है। सो 1-2 मार्क वहीं पे स्टैंडर्ड डिडक्शन करवा देते हैं, तो वहां पे ज्यादा स्कोर लाने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। पूरा 100 मार्क्स का पेपर तो ऐसा कभी नहीं होता कि अपने को 100 में से 100 मार्क का सही लिखा है, सब ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर सब्जेक्ट टू एरर्स। 3 घंटे का जब वहां पे पेपर लिखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, इंसान है, ठीक है। सो इसकी वजह से थियरी पेपर में ज्यादा स्कोर लाने के चांसेस थोड़े कम है। इसमें अगर आपने सही लिखा तो मशीन चेक करने वाला है, एक ऑप्शन सही लिखा आपने, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे मिल रहे हैं, तो इसलिए इसमें चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो इसलिए स्ट्रेटेजी हमेशा, मैं आपको, अगर आपको एग्रीगेट करना है तो टैक्स के पेपर के साथ आपको प्यार करना मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी वाला प्यार है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं, ठीक है। ओके, अब मैंडेटरी वाला प्यार में प्यार तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे तो यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलो, निगेटिव मार्किंग के सिस्टम में कोई समस्या नहीं है। और एक चीज, फेस टू फेस वालों, क्वेरीज क्लास में ही पूछनी है, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन फील फ्री टू आस्क द क्वेरीज। मैं और दूसरे सर बिल्कुल गुस्सा करते नहीं है, ठीक है। सो ऐसा मत समझो, ये स्टीरियोटाइप टीचर्स हैं, ठीक है, अपने जो स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं, ठीक है, बस वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, वन साइडेड कोई भी चीज जीवन में अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन शुड बी बोथ वेज। सो आपको क्वेरीज है तो बिल्कुल पूछते जाइए, हाँ ना, थोड़ा सा आवाज निकाला तो भी चलेगा, आपका ब्रेन भी रिफ्रेश हो जाएगा। चलो, सो दोस्तों ये हो गया। अब सब्जेक्ट का कंटेंट बता देते हैं, ये सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स है सर? टॉपिक्स होते हैं ना, इंडेक्स होता है, सबसे पहला इंडेक्स है ना, यहाँ पे इंडेक्स कितना बड़ा है सर बताओ जरा, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 20, 30, 40, 50, कैसे बैंड बजाने वाले हो? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे केवल 3 टॉपिक्स है। वाह, क्या बात करते हो सर, बुक हमारे सामने नहीं है इसलिए हमें बेवकूफ बना रहे हो? नहीं बच्चों, ठीक है, वाकई यहाँ पे आपको केवल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं। कितने टॉपिक्स है? बस 3 टॉपिक, ठीक है। कौन से 3 टॉपिक? ठीक है, पहला टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्या नाम है इसका? ओके, डायरेक्ट टैक्स। सर ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? बता दूंगा, ठीक है, अब सिर्फ नाम समझ लो। डायरेक्ट टैक्स आपकी सिलेबस में ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स के लिए होगा? 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। 50 मार्क के लिए डायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। फॉर 50 मार्क्स यू आर हैविंग डायरेक्ट टैक्स एंड फॉर 50 मार्क्स यू आर हैविंग इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो बेसिकली सर ये टैक्स में 2 टाइप्स है, ऐसा आप कहना चाहते हो? जी हाँ, ठीक है। योर टैक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज फॉर 50 नंबर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज फॉर 50 नंबर। ओके, चलो। सो सर इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, वो तो मैं आगे धीरे धीरे आपको बता दूंगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में, इनफैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है 2 कैटेगरीज में, एक जीएसटी, जीएसटी नाम तो सुना होगा, जीएसटी सुना है? जीएसटी का मतलब फुल फॉर्म, सर कितना फेमस टैक्स है सर। ओके, सो उसका नाम नहीं सुना, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ओके, जीएसटी दैट इज योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सो ये जो जीएसटी है दैट इज फॉर 40 मार्क्स एंड देयर इज आल्सो वन मोर इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज नोन एज कस्टम्स। ये कस्टम्स जो है
वो आपको 10, 5 से 10 नंबर के लिए है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर सिलेबस लुक्स लाइक। ओके देखो, ये डायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स है जिसका नाम है इनकम टैक्स। दिस इनकम टैक्स इज फॉर 50 मार्क्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज जीएसटी एंड द अदर वन इज कस्टम्स। जीएसटी इज फॉर 40 to 45 मार्क्स एंड कस्टम्स इज फॉर 5 to 10 मार्क्स। ओके ठीक है, नहीं लिखने के लिए मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, टाइम दूंगा मैं, आई विल गिव सफिशिएंट टाइम फॉर यू टू राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, पहले आराम से समझ लो, ठीक है। ओके सो दोस्तों, ये वेटेज फिक्स्ड है क्या पहले तो? यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये पार्ट ए में पेपर आते वक्त आपको दो हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा, पहला पार्ट जिसको हम पार्ट ए कहते हैं, और दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर 50 मार्क्स, पार्ट बी इज फॉर 50 मार्क्स। पेपर आते वक्त आपको ऐसे दो पार्ट में आता है। जैसे बचपन में शायद आपको मैथमेटिक्स का पेपर सेक्शन ए बी सी डी ऐसे आता था क्या? हमारे जमाने में आता था, आपके जमाने में पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त मैथमेटिक्स का 10th का पेपर जो है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ऐसे 4 सेक्शन आते थे। सेक्शन डी सबसे डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी यहाँ पे सेक्शन वाइज नहीं, यहाँ पे पार्ट वाइज है। पार्ट ए इनकम टैक्स का आता है, पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स का आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम्स, सर जीएसटी और कस्टम्स इसके भी दो अलग अलग पार्ट आते हैं क्या पेपर में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जीएसटी और कस्टम्स के क्वेश्चन मिक्स होके आते, ठीक है। तो इसलिए जीएसटी और कस्टम्स का वेटेज फिक्स नहीं है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख के दिया, जीएसटी 40 से 45 नंबर और कस्टम्स 5 से 10 नंबर, एकदम फिक्स वेटेज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कभी कभार इंस्टीट्यूट जीएसटी 2-3 मार्क, सॉरी कस्टम्स 2-3 मार्क के लिए भी पूछता है, कस्टम्स 2-3 मार्क के लिए भी पूछता है, कभी कभार 5 मार्क के लिए, एट द मोस्ट मैक्सिमम 10 मार्क के लिए पूछता है, उससे ज्यादा पूछता। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा किसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं? जीएसटी के ऊपर, ठीक है। जीएसटी अच्छे से पढ़ना, इनफैक्ट सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे हम, जीएसटी भी अच्छे से पढ़ेंगे, कस्टम्स भी अच्छे से पढ़ेंगे, इनकम टैक्स भी अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। क्यों सर? आप वो क्या, वो सिलेक्टिव प्रिपरेशन टाइप होता है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन वैसे पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं मार्किंग आपको सिलेबस में जो मार्किंग दी है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं मार्किंग बता रहा हूँ। मैं पढ़ाते वक्त एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता नहीं हूँ। आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, ओके, टैक्स पढ़ने के बाद आप करने क्या वाले हो इसका? इसका आपके जीवन में कोई फायदा है? टैक्स इस सब्जेक्ट का आपके जीवन में कोई फायदा है क्या? हे राम, क्या बताए सर, फायदा ही नहीं है। नहीं है, हाँ खुद का रिटर्न फाइल कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है, क्या यही फायदा है? ओके मित्रों, बता दो आपको, आप सीएस बनने के बाद 2 चीजें कर सकते हो, तो जॉब नहीं तो प्रैक्टिस, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इनकम जो मिलती है ना किसी प्रैक्टिस से, वो ये है, इसकी प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा इनकम मिलती है। सर लेकिन टैक्स की प्रैक्टिस तो सीए लोग करते हैं, सीएस, अरे किसने बताया आपको, ठीक है, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट के लिए सीए का सिग्नेचर मैंडेटरी है, सिर्फ एक जगह, और वो भी सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे। इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स इन दिस कंट्री आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। क्या सभी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं क्या? इंडिया में द नंबर ऑफ ट्रेडर्स, स्टॉक ट्रेडर्स, शेयर मार्केट पता होगा, एटलीस्ट नाम तो पता होगा, ओके, हर्षद मेहता पता है, ओके, स्कैम देखा है कुछ तो, हाँ तो बोलो कहीं पे तो, ओके चलो। सो आपने कुछ डेटा वेटा पता है आपको, कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले पिछले कुछ सालों में? कपल ऑफ इयर्स में क्रोर्स ऑफ पीपल हैव ओपन डीमैट अकाउंट इन दिस कंट्री। इन दिस कंट्री देर आर मोर देन 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट है। ओके, डीमैट अकाउंट की और टैक्स का क्या संबंध सर? ओके बताता हूँ, संबंध ऐसा है कि डीमैट अकाउंट यानी शेयर्स में ट्रेड कौन करेगा? जिसके पास पैसा है, ऑफ कोर्स, है ना, पैसा है, इसका मतलब उसने पैसा कमाया है, इसका मतलब उसके पास सरप्लस पैसा है, वो इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना चाहता है, दैट्स व्हाई पीपल ट्रेड। तो इसका मतलब इस देश में 20 करोड़ जनता ऐसे है जो आने वाले समय में पोटेंशियल इनकम टैक्स पेयर्स बनने वाले हैं। प्रेजेंट नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स कितने हैं इस देश में आपको पता है? देखिए, ओके, अपने देश की पॉपुलेशन कितना है सर? ऐसे सवाल मत पूछो सुबह सुबह, सीएसईटी में इतना डेटा रट के गए थे, ठीक है, अब सब कुछ भूल चुके हैं। 136 करोड़ के आसपास, ओके, जो गूगल के मुताबिक है 136 करोड़, ठीक है, प्रैक्टिकली एक्चुअली क्या 136 करोड़ रहेगी या उससे ज्यादा? 136 करोड़, 140 करोड़ से आराम से आगे रहेगी, आराम से, कौन गिनता है राहुल, ठीक है। बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ पैदा होते हैं उनकी कभी गिनती नहीं होती,
देश में कितने लोग तो आते हैं कितने लोग चले जाते हैं कौन गिनता है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है, उसमें से एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 65 टू 6 करोड़ पीपल हु फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओके सर ये क्यों बता रहे हो? ठीक है समझ लो इस चीज को, एट प्रेजेंट 5 से 6 करोड़ है, इसका मतलब आने वाले समय में उतने ही लोग रिटर्न भरेंगे या बढ़ेगी उनकी संख्या? बढ़ेगी। समझो अगर वो जितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं उतने भी लोग अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं, मतलब 20 करोड़ लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं, तो आपको पता है इस देश में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? नहीं पता सर, 2.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख। ठीक है एग्जैक्ट फिगर 3 लाख से अंदर है, चिंता मत करो। 3 लाख में से बहुत सारे आधे से ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, ठीक है, जो टैक्स की प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं। ठीक है सो एट द मोस्ट 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 20 करोड़ लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। कंपनी सेक्रेटरीज कितने हैं इस देश में? 50,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, कितने हैं? 50,000। ठीक है कॉस्ट अकाउंटेंट्स कितने हैं? 15,000-20,000 कॉस्ट अकाउंटेंट्स है। ठीक है ये तीन प्रोफेशन छोड़ के किसी को भी टैक्स का इनडेप्थ ज्ञान है ही नहीं दोस्तों। नो वन पजेसेस इनडेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स लॉस। तो सर ये बता क्यों रहे आप हमें? क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट आप सिर्फ 50 नंबर या 60 नंबर लाने के लिए पढ़ो मत, ये सब्जेक्ट आपको आगे पैसा कमा के देगा। और कितना पैसा आप गिन भी नहीं पाओगे, इतना पैसा कमा के देगा। ओके सर व्हाट इज द अमाउंट दैट इज चार्ज फॉर फाइलिंग अ सिंपल रिटर्न? ठीक है एक सिंपल रिटर्न फाइल करने का मिनिमम 1,000 रुपीज चार्ज करता है, एकदम सिंपल रिटर्न। ठीक है मिनिमम 1,000 रुपीज चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अगर इस देश की 20 करोड़ जनता, कितनी 20 करोड़ जनता अगर रिटर्न फाइल करते हैं और सबके हम मिनिमम चार्जेस पकड़ते हैं, तो 20 करोड़ इंटू 1,000 रुपीज 20,000 करोड़ रुपीज का ये इंडस्ट्री है, 20,000 करोड़ रुपए का ये इंडस्ट्री है। ठीक है सो दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट। ठीक है एंड द नंबर, अब जो बच्चे अभी मैंने जितने भी सीए बताए, सीएस बताए, सीएमए बताए, क्या वो सीएस क्लियर करने के बाद, सीए क्लियर करने के बाद सभी लोग प्रैक्टिस में आते हैं या जॉब में जाते हैं उससे? 80% लोग जॉब में जाते हैं, तो प्रैक्टिस करने वालों की संख्या तो उसमें उससे भी कम है, तो दे आर ओवरलोडेड विथ वर्क नाउ। अभी एट प्रेजेंट जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं दे आर ओवरबर्डनड। क्यों ओवरबर्डनड? जीएसटी साल भर रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटी का, इनकम टैक्स का भी इतना लोड होता है, ऑडिट ऑडिट के लिए तो टाइम ही नहीं होता है। सो इतना उनके ऊपर वर्क लोड है कि दे आर अनेबल टू। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बस मैंने बहुत पैसा कमाया मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है। क्यों? 10-20 साल की प्रैक्टिस होने के बाद दे आर सफरिंग विद ऑल द डिसीजेस। ठीक है क्लाइंट इनकम कमाता है और टैक्स का लोड उसका कंसल्टेंट लेता है। ठीक है सो कंसल्टेंट को बीपी है, कंसल्टेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो चुका है, वो कंसल्टेंट बोल रहा है मैंने जितना पैसा कमाया मैं उतना एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बस हो गया इतना पैसा इस फील्ड। ठीक है सो एक बच्चा जब सीएस में आता है ना एक अप्रोच लेके आता है, क्या मैं सिर्फ लॉ पढ़ूंगा, मैं सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ूंगा, मैं सिर्फ लेबर लॉ, मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला पढ़ूंगा, ठीक है बाकी कुछ तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है टैक्स का और मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है उसमें तो मैंने जाना ही नहीं है। भाई 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री का इनकम छोड़ के आप 5-10-4-5 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री के पीछे भागते रहोगे, तो यानी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लॉ रहेगा रखो, लेकिन जब प्रैक्टिस में आने की सोचोगे आगे जीवन में तो टैक्स का भी प्रैक्टिस करो ना यार, क्या ही प्रॉब्लम आपको? अगर ज्ञान मिल रहा है आपने, आपके इंस्टीट्यूट ने ये सिलेबस आपका सब्जेक्ट देने के पीछे वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये सीएस के बच्चे ना ये बोलते हैं अपने को, यानी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पे नीचे कमेंट करते हैं भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, हम पैसा नहीं कमा पा रहे। अरे कैसे कमा पाओगे जब आप खुद, आपको इंस्टीट्यूट बोल रहा है ये ज्ञान लो इसमें प्रैक्टिस करो इतनी बड़ी इंडस्ट्री और आप खुद नहीं करना चाहते तो थोड़ी ना। ठीक है गांधी जी आपके घर पे चलते आएंगे नोट, यानी ठीक है 1,000 की 500 की नोट आपके घर पे दौड़ते थोड़ी ना आएंगे, आपको कमानी पड़ती है, कमाने के लिए नॉलेज आपको दिया है बस इसी का इस्तेमाल करो। ठीक है आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। ठीक है तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है यानी पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के पीछे सिर्फ नंबर आपसे स्कोर करवा के लेना, ठीक है सो नहीं है। ठीक है टैक्स पढ़ने में आपको, इनफैक्ट आप खुद को टैक्स पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है पैसा भी है, आगे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो, करियर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, और एक एडिशनल चीज बताते हैं, ठीक है आप जितने बच्चे एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं ना, ओके सीएसईटी अगर 100 स्टूडेंट्स देते हैं तो उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट पास होते हैं? 100 में से 60 बच्चे सीएसईटी क्लियर करते हैं। ठीक है अब 60 बच्चे जो सीएसईटी क्लियर करते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आने के बाद उसमें से कितने बच्चे क्लियर करते हैं एग्जीक्यूटिव? 20 बच्चे। ठीक है और प्रोफेशनल 8 बच्चे, यानी 100 बच्चे जो सीएसईटी में आए थे उसमें से सीएस बन के कितने गए? 8। ठीक है मैक्सिमम बच्चे एग्जीक्यूटिव से बाहर छोड़ देते हैं एक दो अटेम्प्ट के बाद, एग्जीक्यूटिव ये फिल्टर है, एग्जीक्यूटिव से फिल्टर, एग्जीक्यूटिव का लेवल डिफिकल्ट है। ठीक है भले वही सभी लोग क्लास वाले आके यूट्यूब पे पकते हैं बहुत ज्ञान, ठीक है कि हाँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है
ये एग्जीक्यूटिव का लेवल आपको बिल्कुल जमीन पे लाके छोड़ देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर हम फेल हो जाते हैं, समझो अज्यूम करते हैं, वैसे तो आप लोग पास हो जाओगे अनडाउटेडली, लेकिन अगर सर हम फेल हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव, तो फिर हमारी लाइफ खत्म क्या, वेदर इट इज द एंड ऑफ द रोड, नहीं, ये नॉलेज लिए इसके बेसिस पैसा कमाओ। सर टैक्स के लिए हमारे पास सीएस का डिग्री नहीं रहेगा तो हम टैक्स का प्रैक्टिस कैसे करेंगे? किसने बोला टैक्स का प्रैक्टिस करने के लिए डिग्री होना चाहिए? देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिग्री, ठीक है सर, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? नॉलेज, दैट्स इट। तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव यानी 2-3 अटेम्प्ट दिए, बहुत सारे बच्चे पास भी हुए, कुछ पास नहीं हुए। जो पास नहीं हुए दे आर अर्निंग द सेम इनकम दैट जो पास हुआ वाला बंदा है ना, सेम इनकम उतना कमा रहा है, कैसे प्रैक्टिस करें? तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ नंबर आप ऐसे मत पढ़ो कि मुझे एग्जामिनेशन में मार्क लाना है, ठीक है, सो मेरिट ऑल इंडिया रैंक लाना है, आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्यों? जिसका रैंक नहीं आता वो ना हमेशा जमीन पे रहता है, जिसका रैंक आता है ना पता नहीं उसके अंदर कहाँ से आवाज आती है, ठीक है, उड़ने लगता है बहुत, ठीक है, और फिर वाट लग जाती है प्रोफेशन में, ठीक है। सो रैंक आता है अच्छी बात है, रैंक नहीं आता तो उससे अच्छी बात है, ठीक है, हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहना अच्छी बात होती है। चलो, सो ये हो गया टैक्स का ओवरव्यू, ठीक है, सिलेबस के बारे में बता दिया, अब नोट्स के बारे में बताते हैं आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, मेरे से क्या मिलेगा। मेरे से सबसे पहले आपको एक वॉल्यूम मिलेगा, एक इनकम टैक्स का वॉल्यूम, उसके बाद दूसरा वॉल्यूम मिलेगा जीएसटी और कस्टम्स का, ऐसे दो बुक मिलते हैं, इनकम टैक्स का अलग 50 नंबर का और जीएसटी और कस्टम्स का अलग। सर दो वॉल्यूम क्यों देते हैं आपको? नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बढ़ाने इसलिए क्या? नहीं, ठीक है, मैंने दोनों वॉल्यूम जब एक साथ देता ना तो बुक मोटी हो जाती है और बच्चों को देख के डर लगता है पढ़ते ही नहीं, ठीक है, बुक जरा मोटी वाली बुक हो ऐसे फिर टेबल पे रखेंगे और देखते रहेंगे, पढ़ना है टैक्स बहुत बड़ा है, ठीक है, कभी खोलते हैं, इसलिए दो वॉल्यूम है बटा है, ठीक है, एक वॉल्यूम 1 50 नंबर का, एक वॉल्यूम 2 50 नंबर का, एमसीक्यू वाली बुक, ठीक है, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलती है एमसीक्यू वाली बुक, ठीक है। सो आपको मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाएगा आइकन एकेडमी का, उसमें आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा, और उसके अलावा और एक बुक मिलती है सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्टेस्ट बुक, ठीक है, मेरे जीवन की सबसे बेस्ट, ठीक है, चीज अगर मैंने की है तो मैंने वो लाइफ में वो चार्ट बुक बनाई है, ठीक है, जिसके लिए मैंने मेरी टीचिंग के 10-11 साल का जितना भी मेहनत है वो समराइज करके आपको दिया है, ठीक है। सो टैक्स में अगर आप आपके जीवन भर आपके साथ अगर कोई बुक रखोगे तो वो चार्ट बुक रखोगे, ठीक है। सो अब भले ही मैं वो आगे स्टार्टिंग के 2-3 वॉल्यूम दे देता हूँ, लेकिन बच्चे सिर्फ चार्ट बुक पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों क्या प्यार हो जाता है उनको चार्ट बुक से, ठीक है। सर ये चार्ट बुक कहाँ मिलेगी? चार्ट बुक आपको बिल्कुल ऑनलाइन एक्सरसाइज का, ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे हार्ड कॉपी सर? ठीक है, पैसा बचा रहे हो क्या सर? हमें कम फीस भी, हमें एडमिशन लिया इसलिए पैसा बचा रहे हो? नहीं सर, ऐसे नहीं, ठीक है। सर चार्ट बुक क्यों नहीं दे रहे हो सर आप हमें प्रिंटेड फॉर्म में? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास में जितने भी, मैं पूरा टैक्स आपको चार्ट फॉर्म में पढ़ाता हूँ, ठीक है, पूरा टैक्स चार्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, और पैराग्राफ वाला स्टडी नहीं है अपने पास, ठीक है। अपन जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो भी सेक्शंस पढ़ेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू चार्ट, एंड यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द चार्ट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। आपको बस चार्ट्स याद रखने हैं, और वो चार्ट्स आपको याद तब रहेंगे जब आपके शुभ हाथों से आप आपके नोटबुक में वो ड्रा करोगे, ठीक है। मैं अगर आपको प्रिंटेड बुक दूंगा तो ठीक है, भगवान ने कुछ आलसी लोग जो बनाए उसके टॉप में अगर कोई आते तो कॉमर्स वाले आते हैं, ठीक है, ये तो प्रूवन फैक्ट है, बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, है ना। सो हमें जितना कम मेहनत, अगर पेन ऐसा पड़ा है और वो उठा के हमें लिखना है तो हम सोचते हैं यार पेन मेरे पास क्यों नहीं आता, है ना। तो मुझे पता है ये चीज, इसलिए चार्ट बुक आपको हार्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी, नोटबुक में, ठीक है। जितने भी चार्ट्स अपने रोज के रोज डिस्कस होंगे, घर पे जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे और वो चार्ट रिवाइज करते करते आप ड्रॉ करोगे, इस प्रकार से चार्ट बुक आपकी नोटबुक में आ जाएगी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने भी एफर्ट्स अगर लेना नहीं चाहते तो ये चार्ट बुक महज 500 रुपीज की प्राइस पे, ठीक है, आपको ऑफिस से मिल सकती है, अगर आप मेहनत नहीं लेना चाहते हैं तो, अगर मेहनत लेना चाहते तो, वेरी गुड, ठीक है। सो ऑनलाइन एक्सेस है वैसे, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स में चेंजेस होती रहती है, अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और अमेंडमेंट्स का यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बवाल होता है, यूट्यूब पे अमेंडमेंट ब्रेकिंग न्यूज के नाम से चलती है, मुझे लग रहा है यूट्यूब एक नया चैनल ही बन चुका है, ठीक है, कोई छोटी सी चेंज भी हो गई तो उसको ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, ठीक है, लेट्स नॉट क्रिटिसाइज, लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है। अमेंडमेंट का अपने यहाँ कोई बवाल नहीं होता है क्योंकि अमेंडमेंट आपको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में मिल जाती है, जो भी चेंजेस होती है ना तुरंत आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, यूट्यूब सर्च मत करो, या यूट्यूब पे पहले एक दो लेक्चर, ठीक है, पहले भी है और आखिरी भी लेक्चर से समझ लो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे, ठीक है, मेरी ये कुछ प्रजातियां ऐसी है जो यूट्यूब पे बहुत कम पाई जाती है, उसमें से मैं एक हूँ, ठीक है। मैं कभी कभार यूट्यूब पे आता हूँ, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स, वो डेमो लेक्चर्स सही होते हैं लोगों को यूट्यूब पे, क्योंकि एडमिशन नहीं लेते, ठीक है, वो पहले देखते हैं बच्चे एक दो दिन, ठीक है, प्रोफेसर को पढ़ाना आता है या नहीं,
यानी ये बात ऐसे हो जाती है कभी कभार, विराट कोहली को बैटिंग आता ही नहीं देखने के लिए अपन स्टेडियम में जाते हैं, तो उस टाइप का यूट्यूब का माहौल है। तो इसलिए हम एक दो दिन यूट्यूब पे आते हैं, उसके बाद हम कभी मिलते नहीं है, ठीक है। सो इसलिए यूट्यूब पे न कोई अमेंडमेंट दिखेगी मेरी, कुछ नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा आपको डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा। और क्लासरूम में आप लोग फेस टू फेस वाले हो, ठीक है, मैं क्लासरूम में डायरेक्टली यहीं पे अमेंडमेंट कवर करवाऊंगा। और एक चीज, जैसे आपकी सीबीडीटी और सीबीआईसी, यानी ये दो बोर्ड्स है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इन लोग जैसे सर्कुलर इशू करते तुरंत मैं अमेंड करता हूँ, ठीक है। बाकी जगह अमेंडमेंट कैसी होती है, पिछली साल अभी जैसे आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है जो फरवरी में पास हुआ है, उसके बाद तुरंत मैंने मेरी बुक अपडेट की। बहुत सारी फैकल्टीज क्या करती है, पुरानी फाइनेंस एक्ट पहले पढ़ा देती है और बाद में अमेंडमेंट सेपरेटली यूट्यूब पे अनाउंस करके पढ़ाता है, इसलिए बच्चों को लगता है कि अमेंडमेंट आई अमेंडमेंट आई। अरे भाई, हम पढ़ते वक्त ही अमेंडेड पढ़ रहे हैं, बाद में आपको सेपरेटली अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज, मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है, उनसे दूर रहिए, ठीक है। वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, अमेंडेड ही पढ़ने वाले हैं, सेपरेटली अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, चलो। सो चार बुक है, जिसमें से दो बुक हार्ड फॉर्म में मिलेगी, दो बुक सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगी। ओके, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है टैक्स के लिए आईकैन एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन। सर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे टॉपिक खत्म होता है वैसे उसकी टेस्ट होती है, जैसे टॉपिक खत्म होता है उसकी टेस्ट आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, ठीक है। टेस्ट ऑनलाइन वालों जो मुझे अभी सुन रहे हैं, ठीक है, याद रखियो, टेस्ट आपने यहां वहां देख के घर पे बैठ, अगर घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो कॉपी करके टेस्ट नहीं लिखना है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। फेस टू फेस वालों के ऊपर मैं ध्यान दे सकता हूँ, टेस्ट यहाँ पे उनको दे सकता हूँ, यहाँ से उनसे सॉल्व करवा के ले सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन वाले, ठीक है, वो देख, वो टेस्ट में जैसे ही पेपर सबमिट होता है तो रैंकिंग आता है, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ठीक है। अब फर्स्ट आने के चक्कर में लोग कॉपी करके लिखते हैं, ऐसा मत करो। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आते हैं, ठीक है, अपना कैडबरी टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, कैडबरी, यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कैडबरी देना है, ठीक है। सो ये कैडबरी टेस्ट है, बहुत सिंपल वाला टेस्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को कुछ मिलता नहीं, उसको देना पड़ता है, ठीक है। सो कोई जरूरत नहीं है, आप एंड में आ जाओ, लेकिन जितने मार्क्स आए ना आपके खुद के होने चाहिए, कॉपी करके लाने नहीं है। तो हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दोस्तों, आपने प्रिपरेशन मेरे साथ करना है, ठीक है, मेरे साथ प्रिपरेशन, यानी ठीक है, मैं जितना क्लास में पढ़ाता हूँ रोज जाके सिर्फ 15 मिनट मुझे देना, फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक सिर्फ 15 मिनट घर पे, उससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। आप किसी के साथ बात करते करते, चैट करते करते, या किसी का डीपी जूम करते करते 15 मिनट निकल जाता है, ठीक है। सो जूम करेंगे 15 मिनट कैसे, अलग अलग एंगल से देखते हो आप, ठीक है। सो 5-5 मिनट हर एक एंगल से, तो 10-15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं, तो उससे अच्छा 15 मिनट मेरे टास्क के लिए दीजिएगा, बस ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, जितना लेक्चर में उतना रोज घर में, रोज, लेकिन रोज, फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे। आई प्रोमिस यू दैट एज फार एज, ठीक है, योर मार्क्स आर कंसर्न, यू स्कोर अबाउट 60 मार्क्स, ठीक है, 60 नंबर से ज्यादा नंबर आपको आएंगे, ठीक है। अब ज्यादा कितने आएंगे, जितने आपको लाने उतने लाओ, देयर इज नो लिमिट, ठीक है, लेकिन डेली ओनली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। चलो, सो दोस्तों ये भी हो गया, दो चीजें बता दी, पहले तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, दूसरी चीज मैंने बता दी मार्क्स, तीसरी चीज कौन सी नोट्स देने वाला हूं, और टेस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। अगर जो टेस्ट नहीं देगा उसका एक्सेस हम काट देंगे, टैक्स के लेक्चर वो बाद में देख नहीं पाएगा, ठीक है। सो अंडर नो सर्कमस्टेंस दिस शैल हैपन। ऑनलाइन वालों, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो याद रखियो, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपके लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दोबारा कनेक्ट नहीं होंगे फिर, तो टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है। टेस्ट के लिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है, एज फार एज टेस्ट आर कंसर्न्ड, ठीक है। सो यस, एज फार एज टेस्ट आर कंसर्न्ड, ठीक है, हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाते हैं ताकि आपका सभी का इससे फायदा हो। सर मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, कुछ लोगों ने जो CSET में थे उन लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। जो लोग नए नए हैं, पहली बार एग्जीक्यूटिव आईकैन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको लिंक दी जाएगी, लिंक आपको, ठीक है, नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ठीक है, क्लास वाले मोबाइल नंबर पर, इन शॉर्ट संपर्क कीजिएगा, आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो वो डाउनलोड करके रखियो। चलो अब शुरुआत करते हैं टैक्सेस सब्जेक्ट से, ठीक है। अब चर्चा हो गई, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब शुरुआत करें पक्का, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं है टाइम है। चलो शुरुआत करें, लेट अस बिगिन। सो दोस्तों टैक्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स का मतलब क्या बताना है आपने, आपको जो बताए बताओ, यानी अपने को लीगल डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दिमाग,
आपको जो बता रहा है वो बता दो बस, दैट्स इट। वेरी गुड। हम जो कमाते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम किसको देते हैं? सरकार, गवर्नमेंट को देते हैं, इसको ही टैक्स कहते हैं। ओके, ये सरकार को टैक्स की क्या जरूरत है? सरकार तो बहुत बड़ी होती है, सरकार के पास बहुत पैसा होता है। इतने सारे नेता लोग करप्शन करने के बाद भी जो पैसा खत्म नहीं होता, उतना पैसा सरकार के पास होता है, तो हमसे क्यों मांगते हैं जी टैक्स? क्यों चाहिए? क्या करती है सरकार ये टैक्स लेके? कुछ करती है? करती होगी सर। यस, वेरी गुड सर। हमारे हाईवेज जो बनते हैं, ठीक है, सिर्फ हाईवेज बनाती है नहीं सर, डैम्स भी बनाता है। सिर्फ डैम्स और हाईवेज बनाते नहीं सर, वो होता है ना, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सर। कहाँ? कोविड के वक्त सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट जो लोगों का मुफ्त में हुआ, किन हॉस्पिटल्स में हुआ दोस्तों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ। आपको जो बेसिक एडुकेशन दिया जाता है, ठीक है, जो अब मेट्रो सिटीज में तो बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन विलेजेस में जाओगे तो किसकी स्कूल चलती है? प्राइवेट स्कूल्स नहीं चलती वहां पे। क्यों नहीं चलती? वहां परवड़ता नहीं, लोग फीस देते नहीं, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होता, तो वहां पे नहीं जाते। तो फिर वहां के बच्चों ने पढ़ना ही नहीं क्या? पढ़ना है ना भाई, शिक्षा का अधिकार सभी को, ठीक है, उन्होंने भी पढ़ना है। तो फिर वहां पे वहां के बच्चों को कौन पढ़ाता है? गवर्नमेंट जाती है। 5-10 बच्चे भी स्कूल में रहेंगे तो भी वो स्कूल चलाती है। कौन चलाती है? सरकार। तो आपकी एडुकेशन के ऊपर खर्चा करती है। इसके अलावा क्या करती है सरकार? हेल्थ फैसिलिटीज, एडुकेशन फैसिलिटीज, इस देश को सुरक्षा देनी होती है, इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना है। वो खर्चा करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? आपसे टैक्स चाहिए होता है। ओके, सो सर इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है। जी हाँ, ठीक है, ओके। सो उसका डिटेल डिस्कशन आगे होगा। तो फिर टैक्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो टैक्स यानी क्या? टैक्स इज नथिंग बट, आसान शब्दों में डिफाइन किया है, फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। देश के लोगों से देश की सरकार ने, ठीक है, जो कर लिया है, कर हिंदी में कर, अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, ठीक है। देश की सरकार ने देश के लोगों से जो कर लिया है उसी को हम टैक्स कहते हैं। चलो, सो अब अपने देश में कितना टैक्स कलेक्ट होता है, कोई अंदाजा? टक 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 टक, नहीं अंदाजा, ठीक है, बता देते हैं अंदा, एक एक ऐसे अमाउंट गेस कर लो, कितना कितना? 20 क्या? 1000 लाख, 20 crores, ओके, 20 crores, कम अमाउंट है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 200 crores, ओके, वेरी गुड, और थोड़ा बढ़ा सकते हैं? ओके, चलो, इस साल का अपना देश का बजट कितना है? बजट का मतलब क्या होता है? अपनी देश की सरकार पूरे देश के ऊपर कितना खर्चा करने वाली है? सर अपने को खुद का खर्चा पता नहीं, देश का खर्चा? 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब 500,000 करोड़ से बाहर निकल आओ, वो बहुत पहले, बहुत पुराने, 30-40-50 साल पहले ये 500,000 करोड़ को भाव था, अब वो 500,000 करोड़ को भाव नहीं, अब लाख करोड़ में बात चलती है। 35 लाख रुपीज नहीं है, 35 लाख करोड़ रुपीज है। 35 लाख करोड़ रुपया इस देश का बजट है दोस्तों। बजट का मतलब 35 लाख करोड़, इतना अपनी सरकार अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, ये साल में इनफैक्ट कर रही है। ओके, ये 35 लाख करोड़ का खर्चा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? टैक्स से। सर तो कितना टैक्स गवर्नमेंट अपने से कलेक्ट करेगी? बताओ बताओ बताओ। 50? नहीं 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 बेटा, ठीक है, आप लोग जो सरकार को टैक्स दे रहे हो वो केवल 22 लाख करोड़ दे रहे हो। कितना दे रहे हैं? 22 लाख। सर 35 लाख करोड़ का बजट है, 20-22 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन है, तो सर वो कुछ मैच नहीं हो रहा है सर, टैली नहीं हो रहा है। हम अकाउंट्स वाले सर, कॉमर्स वाले, टैली करने की आदत लग चुकी है, तो ये दो चीजें सेम होनी जरूरी है, डेबिट और क्रेडिट, है ना। सो 35-35 मैच होना चाहिए। नहीं, ठीक है, आपसे सरकार पूरा टैक्स नहीं ले सकती, क्यों? लोग देते ही नहीं है, सरकार तो लेने के लिए तैयार है। ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हम तुरंत अनशन के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट को गाली बकना, तो ऐसे तो हमेशा डेफिसिट रहता है हिंदुस्तान की बजट में। क्या रहता है? उसको कहते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? सरकार के खर्चे मीट करने के लिए अगर सरकार आपसे पूरी अमाउंट टैक्स के द्वारा कलेक्ट करने में विफल रही तो जो डिफरेंस आता है उसको बजट डेफिसिट कहते हैं, आसान शब्दों में, ठीक है देवी जी, ठीक है, ओके। सो देवी जी समझो, आपका दिन का खर्चा कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन, ठीक है, आप सभी लोगों का ऑन एन एवरेज दिन का खर्चा कितना रहेगा?
400-500 रुपया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं, 400-500 रुपया खर्चा करने के लिए जेब में कितना रखते हो? हे राम सर, जेब में नहीं मोबाइल में रखते आजकल तो, ठीक है, कम से कम 500 रुपया खर्चा करना है तो 200-300 रुपया ऊपर तो रहते रहेंगे, 700-800 रुपया है ना अप्रोक्सीमेटली, 100 रुपया खर्चा होगा तो 200 रुपया रखते होंगे, ठीक है, बराबर, ओके, हम कभी भी डेफिसिट में चलते हैं, समझो हमका दिन, हमारा दिन का खर्चा 500 है और हम जेब में केवल 200 रुपया लेके घूमते हैं तो कैसा लगता है आपको? ठीक है, बुरा लगता है, बुरा क्या, हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते सर, पेरेंट्स को बोल देंगे भाई जाने आने के लिए इतना खर्चा है, वहां पे शक्ल क्या दिखाऊंगा मैं मेरे दोस्त को अगर उसके साथ नाश्ता करने के लिए गया और उसके पहले मैंने वो नाश्ता खत्म करके बिल दिए भी नहीं मैं भाग गया तो दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा? ठीक है, सो दोस्तों इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आती है, अपनी देश की सरकार पिछले 70 सालों से डेफिसिट में चल रही है उसको कितना इनसिक्योरिटी आता होगा, ठीक है, आपके ऊपर खर्चा तो करना है लेकिन खर्चा करने के लिए आप पैसे ही नहीं देते, ठीक है, सो डेफिसिट है। अब इसके ये डेफिसिट कैसे मीट करता है? सरकार लेते हैं कर्जा, क्या लेते हैं? लोन, बोरिंग। सर किससे बोरो करता है? ठीक है भाई, अपना गरीब देश है, अपन किससे मांगो, मोदी ने सबके साथ रिश्ते बना के रखे हैं, ठीक है, कोई ना कोई पैसा दे ही देता है, वर्ल्ड बैंक देगी, ये देगा, वो देगा, ठीक है, अपने को बहुत सारा पैसा मिलता है, चिंता मत करो, ठीक है, ओके। सर कितना मिलता है, कितना लोन लिया है इस देश की सरकार ने इस बार? तकरीबन 15 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, 12 से 15 लाख करोड़ का अपन ने लोन लिया है ये साल के खर्चे मीट करने के लिए, ऐसा हर साल होता है। सर लोन मुफ्त में मिलता है? ना, अरे कौन देगा किसको मुफ्त में, मुफ्त वाला जमाना गया, सिर्फ CSET मुफ्त में मिलता है, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में मिलता नहीं है, ठीक है। सो अब दोस्तों, ठीक है, ये लोन के ऊपर फिर ब्याज पे करना पड़ता है। सर अपन कितना ब्याज पे करते होंगे एक साल में? चलो अंदाजा लगाओ, गेस, कितना ब्याज पे करते होंगे? कितना? 3-4% लेते होंगे, ठीक है, चलो अमाउंट में बताओ, अमाउंट परसेंट की तो बात ही नहीं चलती अभी, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट बताओ, कितना ब्याज हम हर साल पे करते हैं? ब्याज 2 लाख करोड़ के आसपास। हमारी देश की सरकार हर साल 9 लाख करोड़ इतना इंटरेस्ट पे करती है। कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड, 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ हम जो ब्याज देते हैं ना दोस्तों, ब्याज वो कई सारे देशों का GDP नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश तो अपना, अपन इतना ब्याज पे करते बस देखते ही रहता है, ठीक है, उतना खर्चा ही नहीं कर पाता, इतना अपन क्या करते हैं? ब्याज पे करते हैं। सर ये फिर बड़प्पन की बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, ये हम लोगों की नाकामयाबी का पुख्ता सबूत है कि हम हमारी देश के सरकार को एडिक्वेट टैक्स देते नहीं, ठीक है। सरकार हमें 35 लाख करोड़ का खर्चा कर रहा है, हम उनको खर्चा करने के लिए 22 लाख करोड़ दे रहे हैं, बचा हुआ डेफिसिट है, डेफिसिट के लिए लेते हैं लोन, लोन के ऊपर आता है ब्याज। इनफैक्ट दोस्तों एक समय ऐसे भी आएगा जहां पे अपन जितना टैक्स पे करेंगे ना पूरा ब्याज में चला जाएगा। देश के लोगों ने सुधरना जरूरी है। सोच लो अभी आपका टैक्स पेमेंट, टोटल टैक्स पेमेंट 22 लाख करोड़ है, इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है? 9 लाख करोड़। अभी डिफरेंस कितने का है? अप्रोक्सीमेटली 12-13 लाख करोड़ का, ठीक है। ब्याज, अब ये लोन अगर हर साल ऐसे ही लेते रहेंगे तो ब्याज बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्याज और टैक्स के अमाउंट मैच हो जाएगी, तो अपन इसका मतलब क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे किसके लिए? ब्याज पे करने के लिए, ठीक है। तो फिर हॉस्पिटल कौन चलाएगा? स्कूल कौन चलाएगा? डैम्स ब्रिजेस का मेंटेनेंस कैसे होगा? रोड्स का मेंटेनेंस कैसे होगा? सोच लो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ब्याज कम करने के लिए लोन कम करना है, लोन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स ज्यादा दे। तो हम जो टैक्स पे करें, बिल्कुल गाली मत दो सरकार को, किसी भी सरकार को, ठीक है, पहले से बता के रखते हैं आपको लेक्चर की शुरुआत में ही, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सो कॉल्ड भक्त नहीं है, ठीक है, बस टैक्स में जो भी हमने पढ़ा है आपको पास करेंगे, ठीक है, और आपको सिखाएंगे, ठीक है, अपने को क्रिटिसाइज करना नहीं है, अपने को देश को, देश के बारे में सोचना है, ठीक है। सो वी आर नीदर इन फेवर ऑफ नॉर अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, सो वी आर प्रोफेशनल्स, वी नीड टू बी अनबायस्ड, ठीक है। सो ये आप दुष्यंत सर से पढ़ो, वी आर व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्रोफेशनल, ठीक है। सो वी आर नॉट हियर टू फेवर एनीवन, प्लीज एनीवन, ठीक है, और गिव एनी बायस्ड ओपिनियन, ठीक है। सो जो भी है सही से अपने को सीखना है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ते हैं तो क्रिटिसाइज मत करना, फाइंड अनदर अल्टरनेटिव्स, ठीक है, एंड फाइंड करेक्ट अल्टरनेटिव्स। जो लोग ज्यादा इनकम कमाते हैं दे नीड टू लर्न टू पे टैक्सेस। इन इंडिया द ओनली रीजन फॉर डेफिसिट इज पीपल डोंट पे टैक्स, ठीक है, देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग पीपल ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस। एंड व्हाई दिस टेंडेंसी? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स दैट दे आर गेटिंग, ठीक है। लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं हम क्यों दे, अपने को क्या बेनिफिट मिलने वाला है,
ठीक है, हम हर एक चीज में क्यों दे, लेते वक्त नहीं सोचते हम क्यों ले, मिल रहा है ना दे दो, मिल रहा है ना दे दो, लेकिन देते मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसे कि भाई तू इनकम कमा रहा है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का, बचपन से लेके अभी तक गवर्नमेंट के हर एक फैसिलिटी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो लेके आए अभी आप सभी लोग, हाँ क्या बोलते हो, लगाए ना वैक्सीन, हाँ ठीक है, कितने करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं देश में, 100 करोड़ से ज्यादा, एक वैक्सीन के पीछे खर्चा कितना है, कितना है, कितने का वैक्सीन मिलता है, पेड़ लिया तो 800-900 रुपए का मिलता है, सरकार ने मुफ्त में लगाया है आपको, 100 करोड़ × 800 रुपया करो कितना गया, 100 × 800 80,000 करोड़ लगवाया ना उतने का वैक्सीन, अब दो ना कुछ सरकार को, पैसा कहां जाएगा सरकार, यानी सरकार ने खर्चा करना है, देखो सरकार का 1 रुपया इज इक्वल टू 130 करोड़, सरकार इस देश के लोगों के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा करता है ना कितना रुपया, तो अपनी देश की आबादी इतनी है हम सब लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, आप लोग कॉन्ट्रीब्यूट करोगे फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूट इन द फ्यूचर क्यों, ओके चलो, सो दोस्तों अब ये पॉपुलेशन 1 रुपया भी सरकार अगर खर्चा करता है तो हमारे देश के 136 करोड़ लोग है, 136 करोड़ यू ही निकल जाता है भाई, तो गवर्नमेंट को खर्चा करते वक्त पैसा फटक से निकल जाता है, लेकिन टैक्स पे करने वाले कितने लोग इस देश में, केवल 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स है, कितने हैं 5 करोड़, आपको लगता है केवल 5 करोड़ लोग इनकम कमाते इस देश में, ऐसे लगता है कहीं पे भी, यानी ठीक है कितना भी कॉन्सर्वेटिव सोचो, ठीक है कितना भी कॉन्सर्वेटिव, 5 करोड़ से ज्यादा ही लोग इनकम कमाते इस देश में, आराम से कमाते हैं, तो फिर इतने कम लोग टैक्स क्यों भरते हैं, नहीं भर रहे, मेरे को कुछ कुछ होता है नहीं पे करना है, ऐसे वाला सीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो टैक्स पढ़ना भी मेरे से और भरना भी सीखना, ठीक है, इनकम ध्यान सर, तो फिर क्या करा रहे, इनकम बढ़ाओ ना, इनकम बढ़ाओ, गवर्नमेंट को टैक्स जो बचा हुआ एंजॉय करो बस, और आप लोग इतना इनकम कमाओगे ना, और लीगली कमाओ तो बहुत ज्यादा बढ़ता है इनकम, इलीगल इनकम में छुपाना पड़ता है, और छुपाने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, रिटर्न नहीं कमाने पाते, तो टैक्स की चोरी करने की वजह से बहुत सारे नुकसान है, क्या नुकसान है पड़ेंगे, टैक्स का मतलब समझ में आ गया, ओके सो व्हाट इज टैक्स, फीस विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ओके चलो, अब हमारा देश पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का, हमारा देश पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट या फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री, थर्ड है, सेकेंड है, सेकेंड है, ओके चलो, सो ऑनलाइन वालो, ओके अब एक अवध शेर जी पूछ रहे हैं सर, पर सर कॉर्पोरेट से टैक्स कम करके आम आदमी से टैक्स लिया जाता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोगों को लगता है कि मोदी ने आने के बाद ना कंपनियों से टैक्स कम किया है और इंडिविजुअल से टैक्स बढ़ाया है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, 22 लाख करोड़ में से मैक्सिमम टैक्स कॉर्पोरेट्स पे करते हैं, कौन पे करता है, आम आदमी बहुत कम टैक्स पे करता है, ठीक है सीखोगे बेटा सीखोगे, आगे आगे आप खुद सीखोगे, मैं सिखाऊंगा चिंता मत करना, ठीक है आप लोग कितना टैक्स पे करते हो उसमें से सरकार को कितना मिलता है, आप कितना पे करते हो और उसके बदले सरकार आपके लिए कितना खर्चा करता है, इसका डायरेक्ट लेखा जोखा हम आपको देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, फर्स्ट इज चाइना, ठीक है चीनी लोग, और दूसरा है हिंदुस्तान, बोल रहे 2030 तक 2002 चीजें होने वाली है, कौन सी, पॉपुलेशन वाइज वी आर गोइंग टू बिकम फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड अपना निफ्टी जो है, ठीक है वो या अपना मार्केट जो है सेंसेक्स जो है 1 लाख पॉइंट्स तक सेंसेक्स टच करेगा, ठीक है जो अभी 50-60 हज़ार पॉइंट्स के आसपास चलता है वो 1 लाख, ठीक है सो इकोनॉमिकली भी ग्रो होंगे और पॉपुलेशन वाइज भी ग्रो होंगे, ठीक है सो पॉपुलेशन इज अ स्ट्रेंथ और ए वीकनेस, हैविंग लार्ज पॉपुलेशन इज अ स्ट्रेंथ और ए वीकनेस, यस एब्सोल्युटली इट्स अ स्ट्रेंथ, व्हाई Because number of youth population in this country is greater. ठीक है 40% youth population है between the age of 20 to 40s. ठीक है so इसका advantage क्या है, कमाने वाले लोग हैं, youth population हमेशा क्या करता है कमाने की कोशिश करता है, ठीक है so that's why अपनी economy बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है, ठीक है चलो very good that's great. तो सर problem क्या है, tax का और population का क्या संबंध है, ठीक है economics थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है क्यों population को बार बार बीच में लेके आते हो, बताता हूँ पॉपुलेशन वाइज अपना देश तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री तो बन गया, एरिया वाइज बताओ जरा, एरिया वाइज इंडिया कितना लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया भर में, 7th लार्जेस्ट, तो क्या हम कह सकते हैं अपना देश बहुत बड़ा है एरिया वाइज,
जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल तक, बराबर है हाँ या नहीं? ओके, सो बहुत बड़ा देश है। तो ज्योग्राफिकली देश बड़ा होने की वजह से और उतने बड़े देश में नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होने की वजह से देश को संभालने के लिए, इस देश को संभालने के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सिविक्स में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में 3-tier स्ट्रक्चर चलता है। ओ माय गॉड, पढ़ा था। 3-tier स्ट्रक्चर यानी इस देश में 3 टाइप की सरकार है, 3 टाइप की। एक होती है केंद्र सरकार, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी सरकार होती है? सेंट्रल। दूसरे टाइप की गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी टाइप की सरकार कौन सी होती है? लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ऐसे 3 टाइप की सरकार है इस देश में। ओके ओके, इंडिया में बार बार इलेक्शन होते रहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं चला सकते। मोदी जी, अगर समझो किसी के नल का पानी नहीं आ रहा है तो मोदी जी को फंक रहा है, मोदी जी नल का पानी बंद हो गया भाई, पुणे में नवी पेट में रहते हैं हम, भेज दो जल्दी। मोदी जी भेज पाएंगे क्या भाई? देश चलाने वाला इंसान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ये काम तो नहीं करेगा। तो ये काम कौन करेगा फिर? तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स बनाए। इतना बड़ा देश चलाने के लिए देश को बांटा गया, ठीक है, गवर्नमेंट्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसके ऊपर ध्यान देती है, जरा बताओ मुझे। केंद्र सरकार किसके पीछे ध्यान देती है? नहीं पता सर, सिविक्स कमजोर है हमारा, बता दो सर। ठीक है, चलो, ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, सीखिएगा, समझिए और याद रखिए, लाइफ टाइम भूलना नहीं है। ठीक है, कोई प्रोफेसर आपको ये पढ़ाएगा नहीं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी मूवी रिलीज हुई, उसका कलेक्शन कितना हुआ, उसमें हीरोइन कौन है, ये सब भूल जाओ। अब अपना थोड़ा सा डायरेक्शन लाइफ का चेंज हो रहा है एग्जीक्यूटिव में आने के बाद, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। क्या चीज होती है सर न्यूज़पेपर? अपने को पता ही नहीं सर, कभी पढ़ा ही नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स नाम का एक न्यूज़पेपर इस देश में आता है, पता है? ओके, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपके हित की बात है। ठीक है, सो मोबाइल पे भी पढ़ा तो भी चलेगा। ठीक है, मोबाइल पे बहुत कम चीजें देखनी है। ठीक है, मैं आपसे मोबाइल छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, रील्स सॉन्ग्स वगैरह जुड़े रहिए, लेकिन उसके साथ आपका समय इसके लिए भी दीजिए, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, धीरे धीरे लेक्चर सुनने के बाद पता चलेगा। अब सुनिएगा, 3 टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो पूरे देश को संभालने का काम करती है, देश से रिलेटेड जो जो एक्सपेंडिचर है, देश से रिलेटेड जो जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलो, पुणे में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बरकरार रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, या पुणे की पुलिस की, बताओ ना। ठीक है, पुणे में अगर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए आर्मी वाले आएंगे क्या? जवान जवान आएंगे ना यहाँ पे पुणे में ट्रैफिक मारेंगे तो डंडे से ही पीटेंगे। पुणे के लोग ट्रैफिक के मामले में बहुत घटिया है, एशिया में सबसे खराब गाड़ी चलाने वाले कहाँ मिलेंगे? पुणे में। यहाँ पे लोग सिग्नल पे रुकते कैसे है? देखते सिग्नल के बाद मामू है या नहीं, अगर मामू है तो हम रुकेंगे, मामू नहीं तो, इसलिए यहाँ के मामू भी चालू है। ठीक है, सामने खड़े नहीं रहते, छुप के खड़े रहते हैं, और रेड सिग्नल से कोई तोड़ते हुए पकड़े आए तो फिर ऐसा ऐसा अपना तम हिलाते हिलाते बीच में आ जाते, रोक देते हैं, मांगते हैं, चलो आजा साइड में। ओके, चलो, सो दोस्तों, अब बात ऐसे कि देश को चलाने के लिए, ठीक है, राधर पुणे को चलाने के लिए भाई पुणे पुलिस है, पुणे की पुलिस जो है वो किसके तहत आएगी? स्टेट गवर्नमेंट। देश को संभालने के लिए, देश को सुरक्षा देने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो किसके अंडर आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबकी ड्यूटीज ऐसे बढ़ चुकी है, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट और कुछ काम लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, सो ये आपको समझना जरूरी है कि इस देश में 3 टाइप की सरकारें चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। सर ये सरकार का और टैक्स का क्या संबंध? अब हर एक सरकार को अपना अपना एरिया संभालने के लिए खर्चा करना पड़ता है, बराबर, खर्चा करने के लिए उनको आपसे पैसा लेना पड़ता है। तो आपसे कैसे पैसा लेते हैं? टैक्स के माध्यम से। ओ सर आप ये कहना चाहते हो इसका मतलब इस देश में 3 गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है? जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, और सेंट्रल। ओ माय गॉड, 3 गवर्नमेंट्स को हमें टैक्स देने हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा पे करते हैं। नहीं सर, क्या जब से लेक्चर शुरू हो रहा है तब से बोल रहे हम टैक्स ज्यादा नहीं पे करते, ज्यादा नहीं पे, हम पे करते हैं, अरे गिनाऊंगा चिंता। ठीक है, सो 3 गवर्नमेंट है, तीनों गवर्नमेंट अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस लेती है।
सर कौन सी टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट ली थी ये भी पता चलेगा, पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सो फिलहाल तो इतना समझ लो कि देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से और एरिया लार्ज होने की वजह से हिंदुस्तान का एक प्रॉब्लम है कि एक गवर्नमेंट पूरी देश को चलाती नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों कह रहे हो, क्योंकि अगर पूरे देश को एक सिंगल गवर्नमेंट चलाती ना तो करप्शन कम होता है। करप्शन होता है क्या? होता है। करप्शन जरूरी है क्या? हाँ ठीक है, करप्शन जरूरी है। इकोनॉमी बूस्ट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्शन की वजह से, तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा होना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत करो अच्छा है, ठीक है। जो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा था, 100 रुपए में से 50 उड़ जाते थे, 50 ही खर्चा होते थे, अब 100 में से 30 उड़ते हैं, 70 खर्चा होते हैं, ठीक है। करप्शन है लेकिन एलिमिनेट हुआ नहीं है। पूरा एलिमिनेट होगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन पूरा एलिमिनेट तब होगा जब 3 के बदले देश में सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट होगी। आपको आपके 5 साल में केवल एक ही बार जब वोट करने की बारी आएगी तब करप्शन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए तीनों गवर्नमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड एंड एक सिंगल गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड। बट उसके लिए ठीक है, लोग बिल लाने ही नहीं देते, अनशन पे बैठ जाते हैं। आजकल इंडिया में नया सिस्टम है, कोई नया बिल लाया, कोई नया एक्ट लाने की शुरुआत हुई तो तुरंत दिल्ली में ठीक है बॉर्डर पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। कभी ना कभी सरकार अपनी बात सुनी लेगी, 1 साल 2 साल 3 साल बैठे रहो, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा मिलते रहेगा बैठने के लिए, कोई बात नहीं। चलो सो अब दोस्तों, अब तीन गवर्नमेंट है, तीनों गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। और इंडिया 2nd और 7th लार्जेस्ट है, ठीक है। चलो सो अब आपके टैक्सेस कहाँ यूज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो, तीनों भी खर्चे करते हैं। उसमें से कुछ खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले नेवी और एयरफोर्स पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा होता है, ठीक है, इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, सो इन जवानों को बहुत सारा, और इसके अलावा इनको आर्म्स एमिनेशन देने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है। आपको पानी, आपके घरों तक जो पानी पहुंचता है, एक ही वजह है पानी पहुंचने के पीछे कि इंडिया में डैम्स का सिस्टम बहुत तगड़ा है, ठीक है। डैम्स अभी भी, लेकिन अभी भी जो अपन पानी का रिजर्वायर्स बना रहे हैं, ठीक है, वो दैट इज 50% ऑफ आवर टोटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसमें अगर गवर्नमेंट और खर्चा करेगी तो अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, देश का विकास होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना है अभी तक तो ठीक है। उसके अलावा स्कूल्स, इसके ऊपर खर्चा होता है आपके एडुकेशन के ऊपर, नॉट ओनली स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है। आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे आर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर, ठीक है। आप लोग कॉलेज की फीस कितना भरते हो बताओ जरा, अप्रॉक्सीमेटली, मैं कहां एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ, 2,000-5,000 का उतना ही होता है कॉमर्स वालों का, उससे ज्यादा है ना, 5,000-6,000, 35,000, कौन सा कॉलेज है, ऐसे कॉलेज जिसका नाम ही नहीं ले पाते हम, ऐसे कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हो आप, ओके, कितना, 35,000, वो भी बीकॉम के लिए, यार फिर मैंने सीएस के लिए आपसे बहुत कम चार्ज किया है, एग्जीक्यूटिव का फीस बढ़ाना चाहिए, ओके, चलो कोई बात नहीं, सो कोई बात नहीं, 5,000-10,000 रुपीज फीस होती है, ठीक है, ज्यादा फीस नहीं होती, तो इतनी सी फीस में कॉलेज का खर्च, कॉलेज के प्रोफेसर का सैलरी कितना होता है, 10-15,000, क्या बात कर रहे हो, 1-1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह है, 1-1.5 लाख रुपया भाई साहब, सर फिर इतने कम फीस में इतना सैलरी कैसे देते हैं, गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिलती है, हर महीने कॉलेज से जाता है गवर्नमेंट को कि हमारा इतना फीस आया है, उसमें से इतना खर्चा हुआ है, इतना डेफिसिट है, गवर्नमेंट पैसा दो, गवर्नमेंट देता है। हर एक मैक्सिमम कॉलेजेस इन इंडिया, कॉलेजेस, स्कूल्स तो छोड़ी दो, कॉलेजेस आर रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सर आपको ये बात पता नहीं होगी, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। सो इस वजह से अपनी कॉलेजेस की फीस कम है, तो दोस्तों आपने जिस किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या आगे जाके पढ़ोगे, वो कॉलेज भी आपके देश की सरकार ही चला रही है, इसलिए टैक्स भरो, ठीक है। चलो इसके अलावा रिसर्च होता है हिंदुस्तान में कभी कभार, क्यों कहते हो सर, मिशन मंगलयान देखिए, देखो मैं मूवी ज्यादा देखता नहीं लेकिन नाम याद है, ओके, मिशन मंगलयान देखिए, किसकी है, विद्या बालन पहली आई है, ठीक है, चलो उसके बाद अक्षय कुमार, अच्छी बात है, चलो। सो उसमें देखा है आप लोगों ने कि अपने को मंगल पे यान भेजना था लेकिन पैसे ही नहीं था अपने पास, इसलिए अपने वो सस्ते वाला यान भेजा, सक्सेसफुल रहा, लेकिन यही प्रॉब्लम है इंडिया का कई सालों से, रिसर्च के लिए पैसे नहीं, क्यों, वही रीजन बताया, 35 लाख करोड़ का बजट बनाया ऑलरेडी, उसमें से 10-15 लाख तो डेफिसिट है, तो रिसर्च के लिए अलग से पैसा कहां से लाए, इम्पॉसिबल बन जाता है, तो लेकिन तो भी देश की सरकार कोशिश करती है और इसरो को हर साल कुछ ना कुछ पैसा देती रहती है रिसर्च के लिए, तो रिसर्च बहुत जरूरी है, रिसर्च होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, बहुत खर्चा है, ठीक है। सो इसके अलावा मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, इसके ऊपर तो खर्चा होता ही है, दिस आर सम ऑफ द एक्सपेंसेस, दिस आर
ये सारे खर्चे सरकार को करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार आपसे टैक्सेस लेता है, दो टाइप के टैक्सेस, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। सर वो डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है जरा बता दो, ठीक है। आज के लेक्चर में बता के ही छोड़ेंगे आपको, ठीक है। सभी लोग लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो ऑनलाइन वालों, जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ना, तो आपके ऊपर भी इक्वली ध्यान होगा, चिंता मत करो। नहीं तो ऑनलाइन वाले दे विल फील दैट सर हम पे ध्यान नहीं देते, ये यूट्यूब में हम आपकी आवाज सुन नहीं पाते, इसलिए ऐसी चीज है, ठीक है। सो आपको कल या एट द मोस्ट परसों में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्वेरी जो है आपके आवाज के द्वारा हम तक पहुंचा पाओगे। ओके चलो, सो हाँ, तो हम कह रहे थे कि दो टाइप के टैक्सेस है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। सर व्हाट इज दिस डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट टैक्स, बता दो। ओके बता देते हैं, ध्यान है सभी लोगों का। डायरेक्ट टैक्स का मतलब बता देते हैं, लेकिन मतलब बताने से पहले, डायरेक्ट टैक्स में भी दो टैक्सेस थे, एक इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स थे। ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि इसमें से एक जो वेल्थ टैक्स है ना, अबॉलिश हो गया, निकाल दिया, हटा दिया, अब वो सरकार आपसे लेती, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स में भी एक ही टाइप का टैक्स बाकी है, वो भी कौन सा, इनकम टैक्स, ठीक है। सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, ओके। तो बेसिकली टैक्सेस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये टैक्स का क्लासिफिकेशन केवल इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, पूरे दुनिया भर के टैक्सेस के बारे में बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दुनिया भर में टैक्सेस दो तरीके से लिया जाता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। यानी ऐसे मत सोचो कि सिर्फ इंडियन हमारा देश गरीब है इसलिए हमारी देश की सरकार हमसे टैक्स लेती है, यूएस बहुत अमीर देश है, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी है इसलिए उन लोगों से टैक्स नहीं लेते। उल्टा यूएस में आप जानते हो इंडिया से ज्यादा टैक्स यूएस के लोग भरते हैं, यानी उनकी सरकार उनसे जितने रेट से टैक्स लेती है उससे कम रेट से हमारी देश की सरकार हमसे टैक्स लेती है, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय डेवलप्ड इकोनॉमी, कैन एनीवन डिफाइन डेवलप्ड इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी व्हेन इन ईच एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कोई भी देश की तरक्की तब होती है जब उस देश का हर एक नागरिक उस देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ऐसी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, बाकी ठीक है सब बकवास है, ठीक है सिंपल में, ठीक है। जब आप देश हित के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो ये आपकी इकोनॉमी की तरक्की होती है, ठीक है। अगर खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो खुद का डेवलपमेंट होगा, देश का नहीं होगा, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, इसलिए वहां के हर एक कोई भी डेवलप्ड कंट्री लो और उसके टैक्स के रेट्स देखो, उस देश में टैक्स के रेट सबसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, कमिंग बैक टू आवर बिजनेस। सो सर ये डायरेक्ट टैक्स में आपने बताया, ये इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स सर है क्या एग्जैक्टली, और उसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं वो तो बताया नहीं सर, ठीक है बताता हूं। ये कौन है, ये आप हो, ठीक है। सो ध्यान देके सुनिएगा, आप इनकम कमाते हो, ओके, बीच में आप पूछ भी सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चंस। यहां तक का सब समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया? चलो बाद में सब समराइज करवाऊंगा लेक्चर के अंत में, चिंता मत करो, ठीक है। सिर्फ सुनते रहिए, 100% ध्यान देते रहिए, ठीक है, कहीं भटक ना जाना, ओके चलो। सो अब हाँ, हम कह रहे थे कि ये इंसान जो है ना, ये इनकम कमाता है, क्या कमाता है, जैसे आप लोग सीएस बन गए, इमेजिन जस्ट फॉर अ सेकंड, ठीक है, मैं सीएस बन चुका हूँ या चुकी हूँ, सीएस बनने के बाद मैं पैसा कमाना शुरू कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मैं क्या कमाऊंगी, व्हाट इज द इनकम, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ इनकम दैट आई कैन अर्न, कौन कौन सा इनकम हम कमा सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। पहले तो सबसे पहले मन में विचार आता है जॉब करेंगे, क्या करेंगे, जॉब करेंगे, जो दूषण सर और मैंने दोनों ने भी किया, ठीक है। दूषण सर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, उसके बाद मैंने इंफोसिस में कुछ सालों तक, इंफोसिस में एक यूके की कंपनी है टी मोबाइल, शायद आपको पता होगा, जैसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो, धन धन धन, वैसे यूरोप में टी मोबाइल नाम की कंपनी है, ठीक है, इसके साथ भी हमने काम किया। तो ऐसे कई सारी कंपनियों के साथ काम करते करते फाइनली ठीक है बोर हो गए, सैलरी इनकम कमाने से बोर हो गए, क्यों, सैलरी इनकम अच्छी इनकम होती है सर, टेंशन नहीं है, रोज जाओ, ठीक है, काम करना है तो करूँ, नहीं तो चले आओ, ठीक है। लेकिन इसका सैलरी का एक ही दिक्कत है, क्या, रिस्क नहीं होता, लेकिन महीने में एक ही बार मिलता है पगार बैंक अकाउंट में, ठीक है, एक ही बार आता है, ठीक है चलो। सो कुछ लोगों को सेफ खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं, वो एक ही बार बैंक में पैसा आता है ना, तो यानी थोड़ा ऐसे लगता है यार अपन इतना मेहनत लेते हैं, इतना कमाते हैं, और सिर्फ 30 दिन में एक ही दिन अगर पैसा आता है तो बुरा लगता है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट में रोज मैसेज अगर आएगा डिपॉजिट का, अपने यहाँ जब हम काम करते थे तो रोज एक मैसेज आता था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन
डेबिटेड, वो मैसेज पढ़ पढ़ के बोर हो गया, दूसरा सर भी बोर हो गया, मैं भी बोर हो गया, छोड़ दिया आगे. ओके, दैट वॉज नॉट द रियल रीजन. रियल रीजन वॉज दोनों को पढ़ाना अच्छा लगता है इनफैक्ट, ठीक है. सो और बाद में अनडाउटेडली उसके बाद से सिर्फ क्रेडिट क्रेडिट वाले मैसेजेस ज्यादा आते हैं, ठीक है. इग्नोरिंग दैट पार्ट, ठीक है. कमिंग बैक टू दिस, ठीक है. आप लोग भी कमाओ प्रोफेशनल बनने के बाद. पहली इनकम आप आपके लाइफ में कमाओगे वो होगी सैलरी इनकम. कौन सी इनकम? ओके, लेकिन सैलरी इनकम कमा कमा के पकने के बाद, ठीक है, आप दूसरी इनकम कमाना शुरू करेंगे. कौन सी इनकम? ओके, बिजनेस इनकम. बिजनेस चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बराबर. ओके, उससे इनकम कमाओगे. ओके, उसके अलावा सर सैलरी इनकम बिजनेस इनकम के अलावा कौन सी इनकम कमा सकते हो? अगर आपकी असेट्स हैं, कोई असेट्स, असेट्स क्या होता है सर? सर कॉमर्स वाले सर असेट जानते हैं. असेट क्या होता है? जो लाइबिलिटी नहीं होता वो असेट होता है. हाँ, प्लांट मशीनरी. ओके, आपके पास क्या असेट्स अभी बता? सर कुछ भी नहीं. क्या बात करते हो, है आपके पास असेट? क्या असेट है बताओ जरा. एक मिनट बैठ लेता हूँ. यार जिम में सर ने लेग्स बहुत करवाए मेरे से, तो खड़ा रहना बहुत मुश्किल बन रहा है, ठीक है. कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए बैठता हूँ. हाँ, असेट क्या होता है बताइए. कोई भी ऐसी वस्तु जिसको बेचने के बाद पैसे मिल सकते उसको असेट कहते हैं. सर क्या बताए, क्या बताए? कोई भी ऐसी वस्तु जिसको बेचने के बाद. सर कहां से डेफिनेशन लाते हो? हम तो हमारी लाइफ में कभी ये डेफिनेशन सुने नहीं. ये मैं आपको सही डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, अभी तक जो लाइफ में पढ़े हो भूल जाओ, ठीक है. पहली बार सही सही पढ़ रहा है सर. तो हमारे पास क्या असेट है सर? ओके, आपके पास मोबाइल है. मोबाइल है, बेचने के बाद पैसा मिल सकता है? अरे कितना भी मिलो ना, कम मिलो ज्यादा मिलो, पैसा मिल सकता है. दैट इज एन असेट. तो एनीथिंग विच हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू इज एन असेट. ओके, चलो एग्जांपल के तौर पे आपके पेरेंट्स ने या आपने समझो सीएस बनने के बाद पैसा कमाया. पैसा कमाने के बाद एक लैंड खरीदा 10 लाख में. कितने में खरीदा? और वो 5-10 साल के बाद आपने बेच दिया 50 लाख में. खरीदा 10 लाख में था, बेचा कितने में? 50 में. कितने का फायदा हुआ? दैट इज नोन एज सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन. कैपिटल इनकम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल इनकम. और टैक्स की भाषा में इसको हम कैपिटल गेन कहते हैं. ये जो शब्द है ये टैक्स का शब्द है, ठीक है. ये मैंने लेमन स्टम में आपको समझाया. असेट बेच के जो कमाई होती है उसको कैपिटल गेन कहते हैं. जैसे शेयर्स खरीदते हैं, जैसे लॉकडाउन के वक्त, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर की कीमत बहुत कमाई थी, तब हमने 950 रुपीज पर रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीदे थे, ठीक है. आज रिलायंस के शेयर्स का भाव कितना हो गया है? पता नहीं मुझे, लेकिन 2300 के आसपास रहेगा. आज की रेट अगर देखें तो 2300 के आसपास रहेगा. तो 900 में हमने शेयर खरीदा था, आज उसकी कीमत 2300 रुपया हो चुकी है. तो कितने का फायदा हुआ है? 1400 फायदा हुआ है? नहीं हुआ है. क्यों? मैंने बेचे ही नहीं ना शेयर्स, ठीक है. सो कैपिटल गेन कब आता है? बेचने के बाद, ठीक है. सो जब आप असेट बेचोगे और असेट बेच के अगर आपने पैसा कमाया तो दैट इज नोन एज कैपिटल गेन. गॉट इट? चलो. सो एक तो आप पैसे, कोई भी इंसान पैसे कैसे कमा सकता है? एक तो सैलरी से, नहीं तो बिजनेस करके, नहीं तो असेट बेच के, नहीं तो कैसे सर? प्रॉपर्टी है उसकी, किराए पे दी है, ठीक है. कई सारे लोग होते हैं ना जिनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती है और ये प्रॉपर्टी वो देते हैं किराए पे. कैसे देते हैं? और किराया आता है, रेंटल इनकम. उसको टैक्स की भाषा में रेंटल इनकम नहीं कहते, उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं उसको? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, टैक्स की अपनी लैंग्वेज है. जैसे आपकी व्हाट्सएप की लैंग्वेज अलग होती है ना, वैसे टैक्स की लैंग्वेज है. वो परिभाषा टैक्स की आपको समझनी जरूरी है. मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, ठीक है. नहीं तो ये नहीं तो इसके अलावा किसी ने बैंक में एफडी करके रखी होगी, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. क्या कहते हैं उसको? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है. ऐसे 5 टाइप की 5 में से कोई भी इनकम आप कमा सकते हो, बराबर. ओके, चलो. जब आप ये इनकम कमाते हो, जब आप क्या करते हो, ये इनकम कमाते हो, यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम, ठीक है. जो इनकम आपने कमाई वेदांत जी, जो इनकम आपने कमाई उस इनकम के ऊपर वेदांत जी आपको टैक्स पे करना है. किसको टैक्स पे करना है? गवर्नमेंट, ठीक है. सो इनकम टैक्स किस गवर्नमेंट को पे किया जाता है? 3 गवर्नमेंट होती है, 3, सेंट्रल, स्टेट, लोकल. इनकम टैक्स किस गवर्नमेंट को पे करता है? किस गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट. पक्का? पक्का? कहां लिखा है सर? प्रूफ कल के लेक्चर में मिलेगा आपको प्रूफ. अगर आज टाइम मिलता है तो आज ही बता दूंगा. फिलहाल तो समझ लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हो. किसको पे करते हो?
सेंड, लेकिन कहां लिखा है वो उसका प्रूफ कल प्रूफ के साथ बताएंगे जब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो बताएंगे, ठीक है, चलो। सो ये इनकम के ऊपर, आपने जितना भी इनकम कमाया ना उस इनकम के ऊपर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड इज प्राइम मिनिस्टर श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सो यू आर लाइबल टू पे टैक्स टू, ठीक है, दैट इज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो आप जो इनकम कमाते हो उस इनकम के ऊपर आप डायरेक्टली टैक्स किसको देते हो? गवर्नमेंट। सर मैंने इनकम कितनी कमाई ये किसको पता चलेगा? आपको ही। तो आपने साल के एंड में, ठीक है, आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, इसमें बता रहे हैं कि आपने कौन सी इनकम कमाई, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, कौन सी इनकम कमाई, कितनी कमाई, और उसके ऊपर टैक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो वैसे टैक्स कैलकुलेट करो और जो टैक्स आता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को, किसी और को देने की जरूरत, ठीक है। सो फिर सर दिल्ली जाना पड़ेगा फ्लाइट बुक करके टैक्स देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, तो गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना, दैट्स इट। ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली कैसे टैक्स पे किया जाता है, उसका चलान होता है, उसके थ्रू पे करना पड़ता है, वो भी दिखा दूंगा। तो आपने आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इज नोन एज इनकम टैक्स। अब एक छोटा सा सवाल, आप लोग अभी इनकम टैक्स भरते हो? क्यों? सर हम इनकम ही नहीं कमाते, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो जो लोग इनकम कमाते नहीं, दे आर नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स। तो इस देश में इनकम टैक्स कौन पे करने के लिए लाइबल है? जो इनकम कमाता है। कौन सी इनकम कमाता है? इनमें से कोई भी इनकम कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भरता है, सिंपल, ओके। तो सर आप इसी के बारे में बात कर रहे थे, जी हाँ सर। इस देश में कितने लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं? 5 करोड़ लोग। कितने लोग? और वो भी संख्या मोदी जी आने से पहले कितनी करोड़ थी? 2 करोड़। कितनी करोड़ थी? केवल 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे। 2016 के बाद 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच गए। सर 2016 में क्या हुआ? क्या हुआ जरा याद करो। रात को 8 बजे भाइयों और बहनों, आज रात के 12 बजे से 500 की नोटें बंद हो गई थी। 2016 में हुई था ना, हुआ था शायद, है ना। उसके बाद से सबका काला धन बाहर आके कहां चला गया था? बैंकों में। और तब से लोगों ने अपना इनकम दिखाना शुरू किया और तब से संख्या 2 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई है? 5 करोड़, ठीक है। नोटबंदी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, मैंने डिस्क्लेमर के साथ बार बार याद दिलाऊंगा, मैं किसी का भक्त नहीं हूं। तो फिर बच्चों वो 3 करोड़ लोग टैक्स नहीं भरते थे क्या? आप ही सोचो, यानी उन लोग इनकम कमाते थे लेकिन दे वर रिलक्टेंट टू पे टैक्स। अरे ऐसे क्यों यार, पे करो ना, आपको मिलता है फैसिलिटी, पे द टैक्स, ठीक है। और गवर्नमेंट भी टैक्स सबसे नहीं लेता है, ठीक है, जो ज्यादा इनकम कमाते हैं वो भी पढ़ोगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, उनसे ही टैक्स लेता है, सबसे लेता है, उन लोगों ने पे करना ही चाहिए, नहीं चलेगा देश में तो कैसे चलेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देखो सुन, अगर नोटबंदी नहीं होती तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ते? नहीं बढ़ते। नोटबंदी नहीं होती तो आप सीखते क्या ऑनलाइन बैंकिंग? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना सीखते क्या? इमेजिन करो, ठीक है, आपके हाथ कभी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट कभी नहीं सीखते। अगर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं होती तो इमेजिन करो लॉकडाउन के दौरान आप चीजें कैसे खरीद और बेच पाते? वॉज इट पॉसिबल? भाई कोरोना कितना फैलता, नोट से भी कोरोना फैलता था, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं था। तो जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छा हुआ, लेकिन नो वन विल अप्रिशिएट दिस थिंग कि नोटबंदी करके भाई साहब ने अच्छा किया था, लेकिन जब नोटबंदी हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। चलो फाइन, और इसके फायदे क्या है धीरे धीरे मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, ओके। चलो नोटबंदी का सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम को हुआ, लिस्टिंग हुआ है अभी अभी, पता होगा, ठीक है। हाँ जिसने शेयर अप्लाई किया उसकी बात छोड़ दो, ठीक है, लेकिन 1,00,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है पेटीएम का, अभी गिरने के बाद फिर से अभी रीस्टेट हो गया, आज का प्राइस पता नहीं लेकिन कल 17% से पेटीएम का शेयर ऊपर था, 17% से 1800 के आसपास रहेगा, 1700 1799। चलो सो दोस्तों बात ऐसे है कि आप जो इनकम कमाओगे इस इनकम के ऊपर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हो उसको क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। सर इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? व्हाई दिस इज इनकम टैक्स, समझ में आ गया क्यों कहते हैं? क्यों? बिकॉज इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। जो इनकम हम कमाएंगे उस इनकम के ऊपर हम जो टैक्स पे करेंगे उसको इनकम टैक्स कहते हैं, समझ में आ गया। सर उसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? व्हाई दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स? बिकॉज यू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। वी पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट का मतलब
हम ये टैक्स सरकार को डायरेक्टली देते हैं, किसी के थ्रू नहीं देते, बीच में कोई एजेंट नहीं है, बीच में कोई एजेंट नहीं है जी। हमने जो इनकम कमाया इस इनकम के ऊपर का डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएट। तो सर टैक्स कलेक्ट करने के लिए एजेंट होता है यानी इंटरमीडिएट होता है? होता है, होता है। कौन सा टैक्स कलेक्ट करने के लिए इंटरमीडिएट होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो ये इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जी। ठीक है, यहां तक समझा? पक्का सर? और एक टैक्स था ना, डायरेक्ट टैक्स भी सर, वेल्थ टैक्स, वो क्या था सर? ओके, ये भाई साहब कौन है बताए, देखा इनको कभी? क्या नाम है भाई साहब का? सेकंड नंबर में नहीं, अडानी फर्स्ट पे नहीं है, अडानी ग्रुप का कैपिटलाइजेशन फर्स्ट, अभी भी रिचेस्ट, सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो यही है। ओके चलो, सो सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। ओके सो ये मुकेश अंबानी भाई साहब, बहुत पैसा। ओके चलो, अब इसके बारे में भी हम आगे कभी ना कभी किसी लेक्चर में जब समय मिलेगा तो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। भाई साहब के पास क्या है, भाई साहब के पास क्या है सर, इनके पास क्या नहीं है वो बोलो सर। इनके पास सब कुछ है, इनके पास वो है, ये है, खुद का है, प्राइवेट जेट है भाई साहब के पास, पता है? इन्होंने अपने प्राइवेट जेट अपने बीवी को उनके बर्थडे में गिफ्ट दिया था। अपन लोग क्या देते हैं? झंडू का फूल। भाई साहब क्या देते हैं? भाई साहब क्या देते हैं? प्राइवेट जेट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सो अब दोस्तों, अब इसके अलावा इनके पास अंटीला बिल्डिंग है। ओके, अंटीला एशिया का सबसे कॉस्टलीस्ट बिल्डिंग, ठीक है। चलो, सो उसके अलावा क्या है? बिल्डिंग है जिसकी करोड़ ऑफ रुपीज, थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। ज्वेलरी तो पूछो मत, भाई साहब के वाइफ के पास गोल्ड का आईफोन है, गोल्ड का आईफोन। ओके, गोल्ड से, पूरा गोल्ड से बना हुआ, पूरा बॉडी इसका गोल्ड का, ठीक है। एप्पल कंपनी ने केवल 7 से 8 पीसेस ऐसे बनाए दुनिया भर में जो गोल्ड के है, उसमें से एक पीस भाई साहब के वाइफ के पास है। ओके चलो, उसके अलावा भाई साहब के पास क्या है? ये तो बहुत सारे कैश। सो ऑल, व्हाट इज दिस? दिस इज इनकम और एसेट। इसको हम इनकम कहेंगे, एसेट कहेंगे? सर व्हाट इज द डिफरेंस? इनकम और एसेट के बीच में क्या डिफरेंस है? सर बहुत गंदे सवाल पूछते हो सर, जाने दो सर, नहीं बताएंगे क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एसेट? अरे बताओ 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 बताओ, इनकम और असेट के बीच में क्या अंतर है? सर इनकम वो होती है जो हम कमाते हैं, असेट वो होती है जो इनकम से हम बनाते हैं। सैलरी इनकम आई, साल भर की 6 लाख रुपया वो इनकम आई, उसका करते क्या है? कुछ खर्चा करते, कुछ सेव करते, सेव करके क्या करते हैं? असेट बनाते हैं। दुनिया भर के लोग क्या करते हैं? लोग इनकम कमाते हैं, इनकम कमा कमा के करते क्या है? क्या करेंगे? करेंगे तो क्या करेंगे? पैसा आने के बाद कितना खाते हो भाई? ठीक है, देखो मुकेश अंबानी हो या सोपान सर हो, जो सबसे, ठीक है, गरीब है, टीचर इस देश का सबसे गरीब इंसान होता है, ठीक है। सो समझो, अब टैक्स की भाषा में बताना है तो आगे मैं बता दूंगा आपको, सेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो 87 ए वाला सेक्शन मेरे लिए एप्लीकेबल होता है। वो 87 ए क्या है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। ओके सो चलो, सो दोस्तों मुकेश अंबानी दिन में कितनी रोटियां खाता है? सर डायबिटीज है उसको, 1, 2, 3, ठीक है। हम लोग कितने खाते हैं? उतने ही खाते हैं भाई। कितने भी इनकम कमाओ, ठीक है, सर्टन लिमिट के बाद एडिशनल इनकम विल रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, नथिंग एल्स, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? एक गाड़ी है तो 2 लोगे, 2 है तो 4 लोगे, बराबर। ओके, उससे ज्यादा क्या करते हैं लोग? असेट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? अब सरकार ने, पुराने जमाने में सरकार इनकम पे भी टैक्स लेता था और इनकम से जो असेट्स बनाई थी वो असेट्स पे भी सरकार टैक्स लेता था और उस टैक्स को सरकार वेल्थ टैक्स कहता था। दिस इज नोन एज वेल्थ, दिस इज नोन एज, ये खरीदता है, ठीक है। ज्यादा पैसा होने के बाद इंसान यही खरीदता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज असेट्स, असेट मींस वेल्थ। ये वेल्थ के ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता था। ओ माय गॉड सर, ये तो गड़बड़ थी फिर, यानी सर वेल्थ टैक्स सभी लोग पे करते थे क्या? जिनकी वेल्थ, नेट वेल्थ 30 लाख रुपए से ज्यादा थी, उनको, उनसे गवर्नमेंट केवल 1% से वेल्थ टैक्स पे करता था। कितने परसेंट से? 1। सर फिर ये अबॉलिश क्यों किया? क्यों 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 अबॉलिश किया? वेरी गुड, इस देश के लोग वेल्थ बताते ही नहीं है अपनी कितनी है। ओके चलो, आपको पता है आपके पेरेंट्स के पास कितनी वेल्थ है? सर क्या सवाल पूछ ले, मुझे मत बताओ, खुद के मन को पूछ लो ये सवाल, क्या आपको पता है वाकई आपके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, कितना वेल्थ है? सर हमेशा रोते रहते हैं भाई, पेरेंट्स को लेक्चर में दिखा मेरा। ओके सर हमेशा बोलते हैं सर कुछ नहीं है हमारे पास, और हमें भी ऐसे लगता है कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वो जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन
लेकिन इस देश के लोग अपने फैमिली मेंबर्स को ही नहीं बताते कितना वेल्थ है, तो सरकार को कहां से बताएंगे भाई? नोटबंदी के बाद कहां कहां से पैसा निकला है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? लोगों के फैमिलीज में, सबके फैमिलीज में ऐसे हुआ है, ठीक है? और सबके फैमिलीज ये भी हुआ है कि मम्मियों ने, दादियों ने ऐसी जगह पैसा छुपा के रखा था जो टाइम खत्म होने के बाद, पैसा डिपॉजिट करने का टाइम खत्म होने के बाद पैसा मिला है, और वो 2,000 की नोटें अभी भी आप लोगों ने संभाल के रखी होगी आपकी फैमिलीज में। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे डिपॉजिट करने ही भूल गए, क्यों? वो कहीं पे तो छुपा के रखा था, दादी ने, मम्मी ने, किसी ने, ठीक है, और बाद में वो पता चला यार ये छुपा के रखा है, ठीक है? और कई सारे लोगों ने वो बताया भी नहीं कि ये छुपा के रखा है, ठीक है? वो जख्म अभी भी ताजे होंगे उनके, ठीक है? तो दोस्तों बात ऐसा कि इस कंट्री में कोई भी उसके पास कितनी एसेट है, कितनी वेल्थ है, कभी भी रिपोर्ट नहीं करता, फैमिली मेंबर्स को रिपोर्ट नहीं करता, तो सरकार को कहां रिपोर्ट? तो सरकार परेशान हो गया, वेल्थ टैक्स लोग भरते ही नहीं थे, इसलिए सरकार ने परेशान होकर कर दिया क्या, वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश नहीं कलेक्ट करता, तो सरकार का नुकसान है ना? नहीं नहीं नहीं, सरकार चालू है, सरकार ने क्या किया, दे आर ऑल्सो इंडियंस यार, गवर्नमेंट कौन है, हम देशवासी, ठीक है? सो इन लोगों ने क्या किया, वेल्थ टैक्स अबॉलिश होने के बाद इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाए, किसके रेट्स बढ़ाए, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में एक सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, उसके रेट बढ़ाए, ठीक है? उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स को समराइज करना है तो कैसे समराइज करोगे? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स ऑन इनकम, इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द सिटीजंस, जो इनकम कमाते हैं इस इनकम के ऊपर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। अब रीड करो आराम से, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम, इट इज ऑल्सो नोन एज, तो अभी डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स इज वन एंड द सेम, ठीक है? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स बाकी है, कौन सा, वेल्थ टैक्स तो है। फाइनली आपको इसका मतलब समझ में पक्का समझा? चलो अब और एक चीज बताएंगे और उसके बाद आपको छोड़ देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बता दे, चलेगा ना? ओके, कितना टाइम हुआ है मेरा लेक्चर, 11:15 तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर आपका कितने बजे, 11:30 बजे, ओके ठीक है, चलो फिर इनडायरेक्ट टैक्स कल बता देंगे, आज यहीं तक बस रिवीजन कर लेते 2-3 मिनट में, ठीक है? हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ी, ऐसे लगता है बहुत पढ़ा, ऐसे नहीं, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ी, कौन सी, टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स इज फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सिटीजंस, टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है, जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट हम पे क्या करता है, एक्सपेंडिचर, ओके चलो। सो ये टैक्स को समझने के लिए हमने पहले ये समझा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड लार्जेस्ट, एरिया वाइज सेवेंथ लार्जेस्ट, सर बड़ा देश होने की वजह से खर्चे भी उतने ज्यादा, और जितना खर्चा ज्यादा उसके लिए टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट होगा, और देश को संभालने के लिए एक गवर्नमेंट पर्याप्त है या 3-3 गवर्नमेंट है, कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है? यहां तक क्लियर, ओके। टैक्सेस के दो टाइप्स कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब द टैक्स विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट इज डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स थे, कौन से दो टाइप्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दो टाइप, इनकम टैक्स एंड वेल्थ। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम, तो जो अलग अलग टाइप की हम इनकम कमाते हैं उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स वॉज अ टैक्स ऑन वेल्थ, वेल्थ माना असेट्स, अब ये टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती, एक ही टैक्स कलेक्ट करती है, दैट इज इनकम टैक्स। यहां तक समझा, कोई क्वेरीज पूछना चाहेगा, नहीं मैं पूछ लूं, ओके मैंने जितनी इनकम बताई आपको, सैलरी, बिजनेस इनकम, ठीक है, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोस्तों मुझे ये बताओ इनमें से कोई भी इंसान कितनी इनकम कमा सकता है, सैलरी, बिजनेस, पांच इनकम बताइए, पांच टाइप्स ऑफ इनकम, पांच में से एक ही या पांचों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कमाना है। कुछ लोग सिर्फ सैलरी एम्प्लॉई है, वो बस सैलरी कमाते हैं, खुश रहते हैं, एक ही टाइप की इनकम रहेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करके बाद में प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, सो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है, बिजनेस से बिजनेस इनकम आता है, बैंक में एफडी करके रखी होगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, शेयर्स खरीदते बेचते उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है। तो सर इसका मतलब ऐसे है, कुछ लोग मल्टीपल इनकम भी कमाते हैं जी,
ओके चलो, तो देखो दोस्तों ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कितनी इनकम कमानी है। आपको जो कमानी है वो कमाओ, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। चलो समझा सर, अब ऑनलाइन वालों की कुछ क्वेरीज हैं? नहीं, चलो। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में दोस्तों कल चर्चा करेंगे हम, ओके ओके। टॉम इज सेइंग दैट सर प्लीज एक सॉन्ग हो जाए, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। बेटा माइंड रिफ्रेश करना है तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पढ़ा देता हूँ, नहीं ठीक है। सो दोस्तों देखो, मैं तो वो नहीं हूँ, क्या बोलते हो, यो यो हनी सिंह नहीं, ठीक है। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है। सो मेरे से गाना मत सुनना कभी भी, ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर का आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, लेट्स मीट टुमारो। हाँ, कल आने से पहले अब मैं देख रहा हूँ आप लोगों के डेस्क पे, कुछ लोगों के डेस्क पे नोटबुक है जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। शायद वो हो सकता है आपका सीएसईटी का बचा हुआ नोटबुक होगा जिसके आधे पेजेस खत्म हो चुके हैं और आधे बाकी हैं, और जो मंशा रखते हो आप एग्जीक्यूटिव में आप, ठीक है। देखो इतना पैसा बचा के क्या ही करने वाले हो, शादी में ही खर्चा करोगे, शादी में पैसा बर्बाद करने के बदले एडुकेशन में बर्बाद करो। एक नया नोटबुक लेके आओ, पुराना नोटबुक टेंशन मत लेना, उसका भी इस्तेमाल होगा। जो मैं एडिशनल एमसीक्यूज आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ ना, वो उसमें सॉल्व करना, ठीक है। टैक्स के लिए एक नया नोट, नया क्यों बोलता हूँ, ठीक है भाई, ये जर्नी ना, ये लाइफ का सबसे बेस्ट, एडुकेशन का, आप आपके जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट कॉमर्स के बच्चों का यही होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव। इसमें आप जो चीजें पढ़ोगे वो आपके लाइफ टाइम काम की है, ठीक है। सो नई शुरुआत है, नए नोटबुक पे कीजिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा होते रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकुलेटर की जरूरत है हमें, ठीक है। सो कल से कैलकुलेटर लेके आना है, एक नया नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल एंड स्केल, लाइन मारना पड़ेगा यहाँ पे बुक पे, ठीक है। उसके लिए हमें स्केल की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना। सर एमसीक्यू का पेपर है, काय को लाइन मारने का, नहीं मेरे को प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए आपके नोटबुक में, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लाइन मारो, पहला प्रोफेसर है आज जो आपके जीवन में कह रहा है आपको लाइन मारो बुक पे, ओके चलो। सो दोस्तों इसलिए पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ होना जरूरी है, कैलकुलेटर भी होना जरूरी है। कैलकुलेटर का स्पेसिफिकेशन क्या है मैं बता दूं आपको, कैलकुलेटर जो आपको चाहिए वो बेसिक वाला कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। बेसिक वाला यानी चाहिए तो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द फंक्शंस, ठीक है। इसमें ये जीटी का एक फंक्शन, जीटी नाम का एक बटन होता है, वो कैलकुलेटर पे होना जरूरी है, एम आर सी, एम प्लस, एम माइनस, ठीक है। ये चार बटन जिन कैलकुलेटर पे है वही कैलकुलेटर लेना, दिस 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 दिस, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेटर पे क्या नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर पे टैक्स का बटन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर पे जीएसटी का बटन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर पे साइन कॉस थीटा का बटन नहीं होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। ये कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में जब्त होते हैं, अगर आपके कैलकुलेटर पे ये फंक्शन है टैक्स के, ठीक है, देन वो साइन कॉस थीटा वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं ना जिसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, वो वाले कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा बेसिक फंक्शन तो सारे कैलकुलेटर पे होते हैं, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन वाला, ठीक है। सो ये फंक्शन चलेंगे, ठीक है, टैक्स का फंक्शन चलने वाला नहीं है, और नंबर एक से लेके शून्य तक, यानी शून्य से लेके नौ तक, वो बटन तो होते ही है, ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है, ओके। सो बेसिक कैलकुलेटर चाहिए, चाइनीज कैलकुलेटर ब्लैक कलर का छोटा सा मिलता है, 90 रुपए से लेके 140 रुपए के बीच, वो लेके आइए, ओके। कैलकुलेटर पे इतना एम्फेसिस क्यों, टैक्स के पेपर में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन बहुत सारे, ठीक है, सीएसईटी जैसे नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन आते हैं। और जो कैलकुलेटर आप पहले दिन से यूज करोगे उसके ऊपर, ठीक है, आपका हाथ बैठ जाता है, यानी वहां पे अब स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको कैलकुलेटर यूज करने में परेशानी होगी, आपको बटन्स पता नहीं होते, ठीक है, लेकिन जैसे यूज करते जाओगे ना क्लास में तो आपको बटन्स पता चलते हैं, तो फटाफट टाइप करते हैं। तो कुछ बच्चों का माइंडसेट ऐसे होता है कि मैं एग्जामिनेशन के एक महीने पहले कैलकुलेटर खरीदूंगा, क्यों, नया नया रहेगा ना, इसलिए अभी नहीं खरीदता, तो अभी क्या करूंगा, मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करूंगा और उस पर कैलकुलेशन करूंगा। ये गलती ना करे क्योंकि फिर बाद में वो कैलकुलेटर यूज करना बहुत दिक्कत जाती है और एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो एग्जामिनेशन में हमें जो कैलकुलेटर यूज करना है वही आपने अभी से खरीदना है, बीच में कैलकुलेटर बदलना नहीं है, एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी दोनों लेवल पे कैलकुलेटर की जरूरत है। मॉड्यूल 2 में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, उसमें भी कैलकुलेटर की जरूरत है। सो अच्छे वाला कैलकुलेटर खरीदिए, अच्छे वाला यानी कितना, 100 रुपए में तो आता है चाइनीज कैलकुलेटर बेसिक फंक्शन वाला, अपने को तो एडिशनल फंक्शंस तो अलाउड ही नहीं है,
खरीद के मतलब नहीं। ओके ठीक है, समझ में आ गया। ओके सो महंगा वाला कैलकुलेटर खरीदने के चक्कर में बिल्कुल फंसना नहीं है। ओके बेसिक कैलकुलेटर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे मैं आपको अलग अलग शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, और शॉर्टकट्स सारे कैलकुलेटर पे ऑपरेट नहीं होते हैं। जो बेसिक कैलकुलेटर है उसी पे वो शॉर्टकट्स एप्लीकेबल होते हैं। जितना कैलकुलेटर का मेमोरी कैलकुलेटर के अंदर चिप होता है, जितना आप महंगा वाला कैलकुलेटर लेते हैं उसका एडवांस चिप तो होता है, और एडवांस चिप में एडवांस शॉर्टकट्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें को बेसिक ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक कैलकुलेटर खरीदो। ठीक है, लोगों को लगता है हमें पैसे बचाने के लिए, ठीक है, अगर आपको खर्चा ही करना है तो 100 रुपए का कैलकुलेटर खरीदो, 400 रुपए मुझे दो, ठीक है, कैडबरी खरीद के दो, डेयरी मिल्क सिल्क चलता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आपके पास कल होना जरूरी है, नया नोटबुक होना जरूरी है, मैं नोटबुक्स चेक करता हूं। गॉट द पॉइंट? ठीक है चलो, सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो। अब सुनिएगा ऑनलाइन वालों, इसके बाद दुष्यंत सर का लेक्चर होने वाला है। ओके आर्यन सिंह पूछ रहे हैं सर नोट्स कब तक मिलेंगे, विद इन अ वीक यू विल गेट द नोट्स। ओके सर संडे को हॉलीडे रहेगा, बिल्कुल संडे को हॉलीडे रहता है इनिशियली, ठीक है, जब तक ठीक है आप थोड़ा सा सेट नहीं होते ना तब तक हम एक दो हफ्ते आपको हॉलीडेज देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब बाद में हॉलीडेज नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हॉस्टेलाइट बच्चे जो होते हैं ना उनका एक कॉमन प्रॉब्लम है कपड़े, कपड़ों की धुलाई। सर संडे के दिन कपड़ों की धुलाई होती है तो संडे को ठीक है धुलाई करो, कपड़ों की आप धुलाई करो, लेकिन संडे को मेरे लेक्चर्स रहेंगे। आगे एक दो संडे माफ करूंगा मैं आपको, चिंता मत करो, उसके बाद मैं बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, मैं फास्ट पढ़ाता नहीं हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ताकि आप मेरे साथ सारी चीजें याद रखें। बस आपको 10 से 15 मिनट घर पर रिवीजन करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, टेक्स्ट बुक की आपको पहले लेक्चर में भी नहीं, और शायद आखिरी लेक्चर में भी, आखिरी लेक्चर तक आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैं टेक्स्ट बुक दूंगा लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, चार्ट्स नोट करोगे उसी में से रिवाइज करके सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं है मैंने जो टेक्स्ट बुक नहीं दी, जो दी है टेक्स्ट बुक वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। घर पे जाने के बाद आराम से टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, आपको एक हफ्ते में टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे। ठीक, चलो 10-15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दुष्यंत सर का लेक्चर, आखिरी लेक्चर शुरू हो जाएगा। कल अपना लेक्चर है, कल यूट्यूब पे लेक्चर लाइव चलेगा, आज स्टार्टिंग में कोई टेक्निकल इश्यूज थे इसकी वजह से दिक्कत आई है। ओके ओके चलो टाटा बाय।